गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। आप सभी उपस्थित सज्जनों का मैं अमनपाल सिंह बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू दैट यू हैव स्पेयर योर टाइम एंड बी विद अस ऑन दिस ओकेजन। वी आर रियली थैंकफुल टू यू। Since most of the guests, they are waiting from long, so we will keep it very sharp and sweet, crisp and sweet, sweet, right? So before the starting our program, may I request everyone to please stand on your place. We'll play a national anthem. Thank you. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे तब जय दाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। ये प्रोग्राम हम लोगों ने आज आपके सिटी में आपके शहर में दो मकसद के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। एक, जैसा कि एक्शन टेस्ला का आपने SOW बस यहाँ पे लॉन्च किया हम लोगों ने, साथ में हमारे यहाँ के चैनल पार्टनर अनिल जगताप जी, साई आशीष मार्केटिंग के फाउंडर, उनका यहाँ पे एक नया सेटअप स्टार्ट किया है आप लोगों को सर्विसेज देने के लिए, एक उसका इंट्रोडक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारे बीच हमारे सीनियर राहुल मेहता जी, CEO FFSC, ऑन द वे, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। सो वी आर रियली थैंकफुल टू यू सर दैट यू हैव कम ऑन द वे। लेट अस गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज and we welcome you on this small occasion. And I would like Anil ji to please honor him by giving him word. Very good. Thank you. Ajay, you please do the honor. Anil ji, are you please? ಸರಿ ಕಡೆ सो बेसिकली जैसा मैंने बोला, ये एक छोटा सा एक गेट टुगेदर, एक जस्ट इंट्रोडक्शन और थोड़ा अवेयरनेस क्रिएशन का एक कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे लाए हैं आपके सामने। जैसा कि काफी हमारे गेस्ट लोग काफी टाइम से आए, तो एज आई सेड अर्लियर, आई विल नॉट यू नो टेक लॉन्गर टाइम ऑन दिस, ऑन इंट्रोडक्शन एंड ऑल, राइट? एंड वी कीप इट वेरी स्मॉल एंड क्रिस्प, सो वी शुड प्रोसीड। एंड बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड अ कॉर्पोरेट वीडियो ऑफ एक्शन टेस्ला, ये जल्दी से वो मैं आपको एक कराता हूँ। देन द सेकंड पार्ट विल बी हमारे अनिल जगताप जी, ही विल रन यू थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ हिज सेटअप, एंड देन डेफिनेटली वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट राहुल जी टू प्लीज मे बी टू रन अस ऑन थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ FFSC, राइट सर? थैंक यू। प्रतिष्ठा,
क्षण किसाए एक ऐसा नाम जिसकी लघु में दौड़ रही है एक्शन ग्रुप के संस्कार। चार दशक गहरे चले और पहचान जो 12 व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा 50 शहरों व 3 देशों में फैल चुकी है और यही वजह है कि एक्शन ग्रुप का सालाना टर्नओवर 1.5 बिलियन US डॉलर से भी ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी और भावी टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाने वाली एक्शन टेसा के कण कण में एक्शन ग्रुप की ही सोच है। टेसा टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट फ्रेंडली स्ट्रेंथ फ्रॉम एक्शन और इसी का सबूत है कि 4 लाख स्क्वायर मीटर तक फैला 100 एकड़ का आधुनिक प्लांट। सितारगंज उत्तराखंड में स्थित ये प्लांट पूरी तरह ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी और मेधावी डिजाइन का एक अनोखा समन्वय है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी होते हुए यहाँ कई तरह के प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे निर्मित किए जाते हैं। एक्शन टेसा का ये प्लांट 3 लाख SKU से भी अधिक प्रोडक्ट्स निर्मित करके मार्केट डिमांड को पूरा करता है। इसलिए ये प्लांट बेहतरीन तकनीक व उत्तम निर्माण की एक अद्भुत मिसाल है। और इतना ही नहीं, ये दूरदर्शी सूझबूझ का ही नतीजा है कि ये प्लांट उत्तराखंड की भूमि पर लगाया गया ताकि मिट्टी में सही मात्रा में नमी और बेहतरीन यूकेलिप्टस और पोपलार की लकड़ी से सर्वोत्तम श्रेणी के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। अपने तरह का एक ही ब्रांड होते हुए यहाँ पर देश की पहली 8th जनरेशन कंटिन्यूड NDF लाइन भी लगाई गई है। यूरोपीय मशीनरी के महानिर्माता सिंपलकैम जर्मनी द्वारा निर्मित ये मशीन 1.9 मिलीमीटर से 45 मिलीमीटर तक के अलग अलग वर्ग के मोटापे वाली NDF निर्मित कर सकती है। इसके अलावा इस प्लांट में कई प्रकार की आधुनिक मध्यवर्गीय प्रक्रियाओं का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि देश का पहला फुट्टी पार्कर जो लकड़ी के लॉक से उनकी छाल निकालता है जिसके बाद उन्हें चिपकने के लिए भेजा जाता है। फिर शुरू होता है ये 5 स्टेज का वुड चिप स्क्रीनिंग। भारत में पहली बार एक ऐसा प्रोसेस लाया गया जिसमें चिप्स को जरूरत के साइज़ में ग्रेड किया जाता है। ये है रिफाइनर, दुनिया की सबसे उत्तम कंपनी वॉर्निक स्वीडन से। ये फाइबर के साइज को एक समान रखता है। ऐसा करना मजबूत अंदरूनी जोड़ और समान डेंसिटी के लिए अति आवश्यक है। अगला है ये ग्रूइंग प्रोसेस। इसका बोर्ड की क्वालिटी को अच्छा बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। एक्शन जैसा को देश का पहला इन हाउस फॉर्मल्डिहाइड और ग्लू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का श्रेय प्राप्त है। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन की प्रक्रिया बेहतरीन ग्लू बनाने में बहुत ही कारगर साबित होती है। ये अनोखी स्पाइरल ग्लू टेक्नोलॉजी हर तरफ से समान ग्लू लगाकर अंदरूनी मजबूती बनाए रखती है। इसके अलावा ये सुपर रिफाइंड वैक्स प्रोडक्ट को पानी से लड़ने की क्षमता के अलावा शीशे जैसी चमक भी देती है। ये शिफ्टर सिंपल कैम जर्मनी से मंगवाया गया है। ये एक विशेष एयरफ्लो टेक्नोलॉजी के जरिए फाइबर ग्लू और सुपर रिफाइंड वैक्स का मिश्रण कर मैट फाउंडेशन के लिए एक होमोजेनियस फाइबर तैयार करता है जो कि बारीक मशीनी काम के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रीग्रेस क्वालिटी चेक नमी को ऑनलाइन नियंत्रित करना
प्रोसेस कंट्रोल है जो कि शुरू से लेकर अंत तक एक बेहतरीन प्रोडक्ट देने में समर्पित है। क्रोकोडाइल मैट फीडिंग सिस्टम एक और अद्भुत देन है सिंपल कैप जर्मनी की। लंबाई और चौड़ाई के अनुसार इसमें लगे 180 से भी अधिक प्रेस सिलेंडर हर एक बुलेट में समान मोटापा और डेंसिटी बनाए रखते हैं। पोस्ट प्रेस क्वालिटी चेक सिको स्कैन की सीरीज ऑनलाइन ही डेंसिटी मोटापा और फुलावट जांच लेती है। एक्शन दिशा आपको विश्व के बेहतरीन स्तर के MDF, HDF और HDHMR बोर्ड देने में माहिर है। सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी और आत्मविश्वास से भरपूर हर प्रोडक्ट अपने आप में क्वालिटी की एक मिसाल है। भारत का सबसे बड़ा MDF निर्माता होते हुए एक्शन टिसा की सालाना उत्पादन क्षमता 6 लाख CBM से भी अधिक है। और इसके बाद अगला प्रोडक्ट है पार्टिकल बोर्ड। ये विशाल सेटअप सोची समझी प्लानिंग और विशेष देखरेख का नतीजा है। यूकेलिप्टस और पॉपुलर की लकड़ी को जर्मनी के इस चिपर में डाला जाता है जिसमें अपनी जरूरत के हिसाब से चिप्स बनाए जाते हैं। फिर इन चिप्स को डिनर के बेहतरीन फ्लेकर जो कि मायर जर्मनी से है उनमें फ्लेक किया जाता है। ग्रूम प्रोसेस के लिए सही मात्रा में नमी को बनाए रखने के लिए इन चिप्स को विश्व के सर्वोत्तम ड्रायर जिसे MPC USA से लाया गया है उसमें सुखाया जाता है। ग्लूइंग का ये विशेष फॉर्मूला हर फ्लेक को पूरे ढंग से ग्लू में लपेट देता है जिसके बाद मैट फॉर्मिंग होती है जिसे देश के पहले क्लासिफॉर्म चिप ग्रेडिंग सिस्टम में एक साथ किया जाता है। यहाँ इन सभी चिप्स को समान रूप से ग्रेड करते हैं ताकि पार्टिकल बोर्ड्स की बैलेंस्ड कंस्ट्रक्शन हो सके। फिर इन सभी क्लासिफॉर्म्ड चिप्स से मैट फॉर्मिंग की जाती है। उसके बाद इन प्री प्रेस्ड मैट्स को फ्लाई सॉ द्वारा जरूरत के साइज में कट लिया जाता है। इन सभी बोर्ड्स की नमी की मात्रा पर दो टेक्नोलॉजी द्वारा नजर रखी जाती है जिसे भारत में लाने का श्रेय एक्शन टेसर को जाता है। इसके बाद इन सभी शीट्स को 12 मल्टीडे लाइट प्रेस में भेजा जाता है और हमें मिलते हैं पूरी तरह से प्रेस किए गए बेहतरीन बोर्ड्स। 100% स्वचालित बोर्ड स्टैकिंग फैसिलिटी में इन रॉ बोर्ड्स को क्यूरिंग और कंडीशनिंग के लिए 72 घंटे के लिए अलग से रख दिया जाता है। इसके बाद हर बोर्ड को देश के पहले और इकलौते 12-head sander जो कि स्टेमान स्विट्जरलैंड से है उसमें सेंड किया जाता है। 2-head polishing roller एक बेहतरीन सरफेस देती है। अब ये बोर्ड पेंट पॉलिश और लेमिनेशन के लिए तैयार है जो कि इस 12-cylinder short cycle लेमिनेशन प्रेस में की जाती है और ये देती है 0 बबल लेमिनेशन। ये स्वचालित कट टू साइज ट्रिमिंग सिस्टम हर तरह के मार्केट के मनचाहे साइज को बड़ी ही सफाई से काटता है। और इतना ही नहीं, एक्शन डिसा वो पहली कंपनी है जिसने E0, E1 और CAB सर्टिफाइड पार्टिकल बोर्ड्स और MDF बोर्ड्स का निर्माण किया है। भारत में पहली बार एक्शन टिसा लाया है प्लाईवुड का सब्स्टिट्यूट HDHMR बोर्ड यानी कि हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड। इनकी कीमत किसी भी सामान्य प्लाईवुड से
750 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, जबकि HDHMR की डेंसिटी 850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से भी अधिक है। नमी का इन पर बिल्कुल असर नहीं होता, तो बारिश वाले इलाकों में तो ये बेहतरीन है। इनकी स्क्रू विथड्रॉल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। ये HDHMR बोर्ड एक बहुत ही लाभदायक प्रोडक्ट है। और इतना ही नहीं, एक्शन डिजा एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने ही HDF प्लांट को फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके देश का पहला सर्वोत्तम क्वालिटी का HDF लैमिनेट फ्लोरिंग प्लांट भी लगाया है। इस 12 सिलेंडर डायरेक्ट प्रेशर लैमिनेट अर्थात DPL की मदद से वेयर लेयर और डेकोरेटिव सरफेस को पूरी मजबूती से HDF सबस्ट्रेट के साथ जोड़ दिया जाता है। जर्मन टूल्स के इस्तेमाल से ये टंग और ग्रूव बनाए जाते हैं, जिन्हें डबल क्लिकिंग लॉकिंग सिस्टम से जोड़ा जा सकता है ताकि सटीक लॉकिंग लंबे समय तक टिक सके। इसके अलावा डेकोरेटिव पेपर को जर्मनी से इम्पोर्ट किया जाता है और हर फ्लोरिंग को बेहतरीन फिनिश व मजबूती दी जाती है। हर कोने पर वैक्स कोटिंग नमी की सीजन व मौसम में बदलाव से बचाती है। एक्शन डिजा की ये फ्लोरिंग यूरोप के रियल AC3, AC4 और AC5 क्वालिटी स्तर यानी के 2000, 4000 और 6500 रेवोल्यूशंस के एब्रेशन स्पेसिफिकेशंस पर खरी उतरती है। आपके विश्वास पर खरे उतरते हुए एक्शन डिजा की AC3 वुडन फ्लोरिंग के घरेलू इस्तेमाल पर 10 साल की, AC4 पर 20 साल की और AC5 पर 25 साल की वेयर, फेड और स्टेन के प्रति भी वारंटी है। एक्शन डिजा के रेंज में हर प्रकार की फ्लोरिंग शामिल है, जैसे वुड्स मोल्डेड फ्लोरिंग, हाई ग्लॉस फ्लोरिंग, हेरिंग बोन फ्लोरिंग, हैंड स्क्राफ्ट लैमिनेट फ्लोरिंग, किंग साइज सीरीज और एलीट सिंक्रोनाइज्ड एम्बॉस्ड लैमिनेट फ्लोरिंग। 100 से भी ज्यादा डेकोरेटिव पेपर्स और टेक्सचर एक्शन डिजा को देश का सबसे मनपसंद HDF लैमिनेट फ्लोरिंग ब्रांड बनाते हैं। एक्शन डिजा की ये प्री लैमिनेटेड HDF, MDF, HDHMR और पार्टिकल बोर्ड्स की पूरी रेंज, जिसमें है 100 से भी ज्यादा डिजाइन जिन्हें इम्पोर्ट किया गया है खास यूरोप से। ये इम्पोर्टेड डेकोरेटिव पेपर कलर कंसिस्टेंट है, इनमें बेहतरीन ब्यू एब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज हैं और अच्छी फिनिश देते हैं। इस खास ब्यू इग्निशन टेक्निक द्वारा तैयार किए गए बोर्ड किसी भी अन्य बोर्ड से ज्यादा एब्रेशन रेट देते हैं। यहाँ टाइप 1 और टाइप 2 प्री लैमिनेटेड बोर्ड बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं यूवी कोटेड पैनल्स की ओर। यूवी कोटेड पैनल एक्रिलिक की एक सजावट वाली लेयर है जिसे प्री लैम्प सरफेस पर लगाया जाता है। ये पैनल 120 मीटर लंबी लैकरिंग लाइन से गुजरती है। इसमें 9 सटीक लैकर की लेयर्स इस बोर्ड पर लगाई जाती हैं। इसके बाद यूवी ड्राइंग का प्रोसेस होता है ताकि अंत में प्रोडक्ट टेंशन फ्री निकले। इन यूवी कोटेड पैनल्स के सरफेस का ग्लॉस लेवल 100 डिग्रीज होता है, जो कि पूरी इंडस्ट्री में सबसे अधिक है। पैसे के लिए मूल्यवान, 2H से भी ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट और पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण एक्शन डिजा के ये यूवी कोटेड पैनल्स सर्वोत्तम है। और हाल ही में एक्शन डिजा ये आधुनिक हाई ग्लॉस एक्रिलिक MDF बोर्ड भी लाया है। ये बोर्ड जहाँ एक ओर ठोस सतह के जैसे दिखते हैं, वहीं शीशे की तरह इनकी चमक 23 भिन्न भिन्न डिजाइन में हर इंटीरियर की शोभा बढ़ाते हैं और इस सुंदरता को चार चांद लगाते हैं ये एम्बोस्ड HDF की रेंज। HDF को
सुंदर कारीगरी वाली प्लेट्स के साथ बहुत अधिक दबाव से निकाला जाता है और ये सुंदर गोल बाहर आते हैं। अधिकतम गहराई वाली प्लेट्स होने की वजह से 3D इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा डिजाइन चिपकाने और कील मारकर सीधे सतह पर लगाने की सुविधा इस प्रोडक्ट को सभी का मन पसंद बनाते हैं। ये मेरा इंडोर स्किल्स दरवाजे बनाने वालों की पहली पसंद है। इनमें कोई पॉलिशिंग नहीं चाहिए, बस लगाओ और इंटीरियर्स को चमकाओ। एक खास जल प्रतिरोधी व्यू से बनी ये डोर स्किन हिंदुस्तानी दरवाजों के उत्पादक के लिए एक खास पेशकश है। इसके बाद इन्हें ग्रेडिंग के लिए भेजा जाता है और इन सभी प्रोडक्ट्स के पीछे है ये आधुनिक लेबोरेटरी जहां कई प्रकार के टेस्ट कर बेहतरीन प्रोडक्ट पूरे देश में पहुंचाए जाते हैं। पहला है डेंसिटी प्रोफाइल डिटरमिनेशन टेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक लेजर स्पेक्ट्रम पैटर्न इंटरफेरोमीटर द्वारा जांचकर एक्सरे की मदद से औसत डेंसिटी का अनुमान 1 मिलीमीटर के सबसे कमजोर क्षेत्र में लगाया जाता है। अगले टेस्ट में इंटरनल बॉन्ड चेक किया जाता है। इस प्रयोग में प्रोडक्ट की अंदरूनी परत की जांच की जाती है, इसीलिए टूटने की संभावना अंदरूनी परत के बीचों बीच होती है जो कि सबसे कमजोर मानी जाती है। यह है सरफेस एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट जो कि एब्रेशन का परीक्षण करने के साथ साथ लेमिनेट फ्लोरिंग की एब्रेशन श्रेणी भी निर्धारित करता है। अगला टेस्ट है पार्टिकल बोर्ड का फॉर्मल्डिहाइड एमिशन चेक करने के लिए। फॉर्मल्डिहाइड को सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, इसीलिए इसे नापना जरूरी है। हर पदम पर कई क्वालिटी चेक्स के बावजूद भी सभी प्रोडक्ट्स को एक आखिरी बार करीब से जांचना परखना एक्शन डिसा का नियम है। हर प्रोडक्ट को बड़े ही ध्यान से लोड करते हुए मार्केट में पहुंचाया जाता है। और इस मेधावी प्रोडक्शन लाइन के साथ कदम से कदम मिलाती है ये समर्पित मार्केटिंग और सेल्स टीम्स जो हर समय अपने डीलर्स और रिटेलर्स को हर तरह की सुविधा मुहैया करवाती है। एक्शन दिशा में डीलर्स और चैनल पार्टनर्स को बेहतरीन BTL और प्रचार का सामान दिया जाता है, चाहे वो ब्रोशर्स हो, कैटलॉग्स हो, सैंपल्स हो। कार्पेंटर्स की प्रशिक्षण सभा हो, एक्शन दिशा का पूरा समर्थन होता है। अपना नाम घर घर तक पहुंचाने के लिए स्टूडियोस, वॉल डिस्प्ले यूनिट, टीवी एड, ट्रेड मैगजीन, एग्जीबिशंस में भाग लेना हर तरह की उनकी कोशिश की जाती है। 200 से भी ज्यादा मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स, पूरे देश में 16 ब्रांच ऑफिसेस, 1000 से भी अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स व डीलर्स, ये सब एक्शन जैसा को एक विश्वसनीय ब्रांड बनाने में एकजुट है। अपने कस्टमर्स को बेहतरीन इंटीरियर प्रोडक्ट देने का मिशन ये एक्शन जैसा हर पल अनुसंधान में लगा रहता है। जहां एक ओर एक्शन जैसा का नाम व्यापार जगत की बुलंदियां छू रहा है, वहीं दूसरी ओर हम स्वार्थ रहित रूप से स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से समर्पित है। हर किसी को बेहतरीन चिकित्सा देने के लिए दिल्ली में 6 एकड़ तक फैले श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट व एक्शन कैंसर हॉस्पिटल
अधिक ग्रामीण विद्यालयों में भी अपना योगदान दे रहा है। एक्शन टेसा, एक्शन ग्रुप के आकाश में चमकता एक उज्जवल सितारा। Thank you everyone. So this was a small introduction of Balaji Action Builder, Action Tesa Company. May I request Mr. Anil Jagtap ji to please come on the stage and give us an introduction of the products and services they are providing to us under the brand name Sai Assist. Sir, you are welcome. Thank you. नमस्कार माशी, मी आपला अनिल जगताप। माझ्या कंपनीचं नाव आहे साई असिस मार्केटिंग, त्याचं ऍब्रिव्हिएशन आहे सॅम। सॅम इज यूएस टर्म मध्ये सॅम म्हणजे अंडर सॅम हू नोज एव्हरीथिंग। तर माझ्या फील्डमध्ये माझी नेहमी ही अपेक्षा असते की या आपल्या या क्षेत्रामधलं मला जास्तीत जास्त नॉलेज यायला पाहिजे, आणखीन त्यासाठी मी नेहमी प्रयत्न सुरू आहे। आणि त्याच्या संदर्भात तुमच्याकडून शिकण्यासाठी आज आपण इथे मी इथे उभा आहे तुमच्या समोर। साई असिस मार्केटिंग माझं मिशन स्टेटमेंट आहे, योग्य उत्पादन योग्य दरात रास्त दरांमध्ये आणि योग्य वेळ तुमच्याकडे पोहोचलं पाहिजे। राईट प्रोडक्ट ऍट राईट प्राइस ऍट राईट टाइम। माझ्या इंट्रोडक्शन मध्ये मी मुंबईतल्या प्रीमियर इन्स्टिट्यूट नर्सिंग मंजी मधून एमबीए केलेलं आहे। बेसिकली क्वालिफिकेशन आहे ना बीएससी एमएससी इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री। 30 वर्ष या इंडस्ट्रीमध्ये मी आहे। 2013 मध्ये माझा स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आहे। याच्या आधी मी पार्टिकल बोर्ड लॅमिनेट एमडीएफ प्लायवूड या रिलेटेड कंपन्यांमध्ये मी काम केलेलं आहे। मी जवळजवळ 3 वर्ष प्लायवूड मॅन्युफॅक्चरिंगचा प्लांट हँडल केलेला आहे रुद्रपूर भगवानपूरला। आणि माझं बेसिक वन स्टॉप सोल्युशन या आणि मेजर फोकस आहे फर्निचर मॅन्युफॅक्चरर्स। मी ट्रेन मध्ये ज्या काही आपल्याला ऍडजस्टमेंट असतात ती आपल्याला जमत नाही पहिल्यापासून, म्हणून आपण फक्त आणि फक्त फर्निचर मॅन्युफॅक्चरर्स कडे आपण मटेरियल आपण सप्लाय करतो आहे। माझ्या वसुमध्ये साई असिस मार्केटिंग रजिस्टर्ड ब्रँड आहे, टोफर्स मध्ये एक रजिस्टर्ड ब्रँड आहे। रिसेंटली मी BNI मध्ये मेंबर आहे, नेटवर्किंग इज माय बेसिक पॅशन। मी IIIDचा मेंबर आहे, MSME मध्ये आहे, IGGCचा मेंबर आहे, एन्व्हायरमेंट साठी आपण जे काउन्सिल काम करते, आणि रिसेंटली मी फर्निचर अँड फिटिंग स्किल काउन्सिलचा स्किल अँबॅसेडर म्हणून सुद्धा काम सुरू केलेलं आहे। आणि आज त्या संदर्भातच आपल्याला सर्वांना एकत्रित आपण भेटतो आहोत। नेक्स्ट, टीमवर्क मध्ये माझ्याकडे एनर्जेटिक काम करणारी माझी टीम आहे। नाशिक मध्ये आमच्या किमती मॅडम आहेत, अनफॉर्च्युनेटली आज मी सर्वांना ओळखतात पण त्यांच्या तब्येत बरोबर असल्यामुळे आले नाही। त्या माझ्याकडे मुंबई पुणे आणि भिवंडी आणि आता नाशिकला विंडोळीला माझा डेपो आहे। नेक्स्ट, नाशिकला विंडोळीला काम सुरू केल्यामुळे मला आपल्या लोकांशी वन टू वन करण्याचं संदर्भ मिळालेला आहे। नेक्स्ट, प्रॉडक्ट रेंज आहे। या प्रॉडक्ट बद्दल मी तुम्हाला काही समजवणार नाही, तुमच्याकडून समजून घ्यायसाठी आलेलो आहे। कॅलिब्रेटेड प्लायवूड मी व्हिएतनामधून इम्पोर्ट करतोय, जी आजची काळाची गरज आहे कॅलिब्रेटेड प्लायवूडची, जी आपल्या इथे फुलफिल होऊ शकत नाही आजच्या मोमेंटला म्हणून इम्पोर्ट करावं लागतंय। त्याच्यानंतर बर्च प्लायवूड, माझ्याकडे बर्च प्लायवूड पण आहे स्टॉकमध्ये। ऍक्शन टीसाचा मी चॅनल पार्टनर आहे आणि बिंदुबीला घडून स्वीकारण्याचं मेजर कारण ते होतं ऍक्शन टीसाने मला प्रमोट केलंय आणि मोटिवेशन दिलं की नाही सर तुम्ही चालू करा तिकडे काम, आणि ऍक्शन टीसाचा आपल्याला सपोर्ट आहे। ऍक्शन टीसाचं जे काही प्रोडक्ट आहेत ते आपल्याकडे बिंदुबीला आपण स्टॉक मध्ये ठेवतोय। मेजर पार्टिकल बोर्ड आपल्याकडे विविध डिझाईन अँड डेकोर मध्ये आपल्याकडे स्टॉक मध्ये आहे। MDF, exterior MDF, ADHMR, Boilo, आपल्याकडे डेकोरेटिव लॅमिनेट्स आहेत वेगवेगळ्या कंपन्यांचे। मेजरली माझ्याकडे लायनर लॅमिनेट आहे, थायलंड मधून आपण लायनर लॅमिनेट मागवतो, कॉम्पॅक्ट लॅमिनेट
आपल्याकडे इथे नाशिक मध्ये मला ट्रेन माहिती आहे की 8 नोव्हेंबर दुरुस्त झाला तुम्ही डॅमेजला होता आणि ते बॅगला टाकतात, परंतु मुंबई मध्ये जे आहे 3 नवीन कॉम्पॅक्ट सीट ते सरळ इन्सर्ट करून टाकतात. वॉटरप्रूफ आहे, तुमचा वेळ वाचतो, तुम्हाला प्लायवूड वर जे काही किंमत प्राइस पण वाचते पण वेळ काय मध्ये भरपूर वाचतो, कारण तुम्ही ओव्हरहेड कॅबिनेट सोडून तुम्ही हँगिंग बॅकेट वर लावता त्यामुळे बॅक वर काही तुम्हाला जोडत नाही. नेक्स्ट आशिष ए ब्रँडिंग ज्यांनी आता सुरू युरोपियन मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू केली आहे त्यांचा आपण डिस्ट्रीब्युटर आहोत मुंबई आणि नाशिक साठी. मुंबई मध्ये माझ्याकडे चारकोल पॅनल्स आहेत, बॅक प्रिंटेड ग्लास आणि ऍक्रेलिक शीट्स. आपण जीवन जीवन म्हणजे ज्युबिलेंट इंडस्ट्रीजचं आपण हॉटमेल यूज होतो, एचडी फुलर म्हणून त्यांचा जो ब्रँड आहे त्यांच्यावर त्यांनी टायअप केलेला आहे. युअर ब्रँड आहे, 130 वर्ष जुनी कंपनी आहे रेझिन मध्ये, म्हणजे त्यांना रेझिन मधला जवळ जो सगळ्यात नॉलेज आहे, तर त्यांचं आपण हॉटमेल यूज करतो. फील्ड अनफील्ड ट्रान्सलुसंट आणि D3000 तो आपण ज्युबिलेंट टायअप हॉटमेल व्हाईट ब्लू मध्ये. त्याशिवाय आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्हाला जॉयनर यूज करायचे असतील तर आपल्याकडे लवेलो आहे, लवेलो जॉयनर अवेलेबल आहेत आपल्याकडे. नेक्स्ट माझ्याकडे मी माझी स्वतःची पॅशन आहे तर मी फायर रिटार्डंट डोअर साठी मी 2 कंपन्यांना कन्सल्टिंग केलेली आहे आणि त्यांना 2 तासाची 120 मिनिट्स त्यांना सर्टिफिकेशन त्यांना IPT मधून घेऊन गेलेला आहे. माझा स्वतःचा एक आवडीचा विषय आहे, मी MSc नवीन केमिस्ट्री केल्यामुळे थोडं त्यामुळे हा एक फायर डोअर साठी फायर रिटार्डिंग डोअर साठी सुद्धा मी मदत करू शकतो. कुणाला तुम्हाला जर फायर डोअर बनवायचं असेल तर फायर डोअर बनवायला कोणती मोठी फॅक्टरी लागत नाही. नेक्स्ट याशिवाय जे हे अलाइन कवर्स आहेत माझ्याकडे फ्लू बोर्ड अकॉस्टिक बोर्ड पॅनल्स विकतो आपण. जनरली सॉफ्ट बोर्ड वर फॅब्रिक लावण्यापेक्षा मी सजेस्ट करतो अकॉस्टिक बोर्ड वापरायला चांगले पडतात. रियाऊ चे माझ्याकडे रोलिंग शटर्स आहेत इंग्लंडचे. सुमॅक्स चे माझ्याकडे मास्किंग टेप आहे, रोलर ब्लू रोलर्स आहेत माझ्याकडे रियाऊ चे. जनरल फॅक्टरी आहे मुद्दा मी मोठ्या कंपनीचा व्हिडिओ घेतलेला नाही, कारण मी ज्या सामान्य लोकांबरोबर काम करतोय त्यांचाच आवाज त्यांचंच जे काही रेकमेंडेशन आहे तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी गेलं आणि तुम्ही इथे आला आणखी मला ऐकलं त्याबद्दल धन्यवाद, मी तुला आभारी आहे. आणि आजच्या ह्या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे की तुम्हाला तर माझ्या प्रोडक्ट बद्दल माहिती करून देण्याचं आहे, पण त्याच्या व्यतिरिक्त आपण सगळे जे फर्निचर मॅन्युफॅक्चर आहात तर आपल्याला आपल्यासाठी गव्हर्नमेंटने काउन्सिल बनवलेली स्किल काउन्सिल ज्या 36 काउन्सिल आहेत त्याच्यामधली आपल्याला आपल्या कामाची आपल्या उपयोगाची फर्निचर आणि फिटिंग स्किल काउन्सिल आहे, तर ती प्रत्येकापर्यंत पोहोचली पाहिजे. आपल्या या काउन्सिलचा काय उपयोग आहे, काउन्सिलला आपण काय गोष्टी सांगू शकतो, काउन्सिलकडून आपण काय गोष्टींचा आपण उपयोग करून घेऊ शकतो, तर हे काउन्सिल प्रत्येक फर्निचर मॅन्युफॅक्चर पोहोचवण्यासाठी हा माझा उपक्रम सुरू आहे. आणि जर याला जर तुम्ही म्हणजे जर प्रतिसाद मिळाला तर अजूनही मी दुसऱ्या ठिकाणी करायला इच्छुक आहे आणि त्यासाठी फर्निचर फिटिंग आणि स्किल काउन्सिलचे जे CEO आहेत जे राहुल मेहता साहेब खास दिल्लीवरून इथे आले आहेत, तुम्ही त्यांचे धन्यवाद मानतो पहिल्यांदा की त्यांनी नाशिककरांसाठी एवढा वेळ दिला. त्यांचं दुसरं काम होतं त्यांनी आज म्हणजे सकाळी नाशिकचं फ्लाईट बुक केलेलं होतं पण त्यांना मिनिस्ट्रीमध्ये काही अर्जंट काम आलं म्हणून ते गेले, पण त्यांनी इथे येण्याचा जो त्यांनी जे ठरवलेलं होतं ते शिर्डीला उतरले, दिल्ली शिर्डी फ्लाईट केलं म्हणून शिर्डीवरून इथपर्यंत आले आता. तर आपण त्यांच्या ह्या त्यांनी एवढ्या आपल्यासाठी इथे येण्यासाठी जे काय कष्ट घेतले त्याबद्दल माझा आपण त्यांचं काय स्वागत करू. आणि ह्या 9
मी आता इथे बोलवतोय श्री राहुल जी यांना, त्यांनी येऊन फर्निचर फिटिंग स्किल काउन्सिल बद्दल आपल्या सर्वांना अवगत करावं. धन्यवाद. मराठी थोड़ी सी कमजोर है, समझ में आता है, बोलने में नहीं आता है. मैं समझता हूँ हिंदी सबको आता रहेगा, तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करके बोल रहा हूँ. सबसे पहले धन्यवाद अनिल जी का कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर में बहुत अच्छा कार्यक्रम करने की कोशिश करी. मेन कार्यक्रम तो एक्शन और इनका करने का था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा अवसर है तो बाकी इंडस्ट्री वालों को फायदा क्यों नहीं मिले. तो उन्होंने मुझे हफ्ते भर पहले ही जस्ट बताया कि मैं ऐसा कुछ करने का सोच रहा हूँ, अगर आप आओगे तो अच्छा रहेगा, या आपकी टीम से किसी को भी भेजो, क्योंकि आप पिछले महीने हमारे साथ में फाउंडेशन डे पर दिल्ली आए थे, यहाँ पर हमने देखा तो उनको लगा कि ये सबके फायदे की बात है. तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपने सबको बुलाया है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद ही आ सकूँ, क्योंकि अगर बाकी इंडस्ट्री वाले आ रहे हैं तो मेरे हमें से अच्छा रहेगा कि मैं खुद आगे मिलूँ और बात करूँ और फर्स्ट टाइम बता सकूँ कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी या हमारे लिए क्या कर रही है, हम उसका फायदा कैसे ले. सिंपल सी बात यह है. आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू एक्शन बेसर टीम, आप काफी अच्छा कर रहे हैं. मैंने आपका वीडियो डिटेल में बहुत दिनों बाद देखा है. मैं भी आपका एक कस्टमर था, अच्छे 5-6 साल पहले की बात है, 10 साल हो गए मेरे को मिला के, जो हमने हमारा फैक्ट्री डाला हुआ था, हमें बड़ा प्रॉब्लम आता था. और आज जो मैंने आपका टोटालिटी में देखा है, काफी अच्छा काम अपलोड कर रहे हैं. एंड मुझे लगता है कि आप जिस तरह से बीट्स पे एक्शन ब्रांड को लेके जा रहे हैं, उस तरह से आप मिशन को भी लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आगे सबको फायदा मिलेगा. एंड इंडिया में जिस तरह से BIS और सहारा है, उसके थ्रू आप लोग इंडिया में अगर इस तरह का सक्षम काम कर सकते हैं तो हम लोग की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी बाहर से सप्लाई पर, तो बहुत अच्छी बात है. अब मैं जरा मुद्दे की बात पर आता हूँ कि भाई हम जिसके लिए मुझे बुलाया गया कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, परिचय नहीं हुआ आप लोगों से ज्यादा, तो मैं कुछ जनरिक सवाल पूछूं ना, हाथ हाँ ना में या यस नो में आंसर दीजिएगा, हाथ मत उठाइएगा, कोई बात चलेगा. आप में से कितने लोग मॉड्यूलर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं? आप में से कितने लोग सॉलिड वुड फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, जिसमें सॉलिड वुड के लकड़ी का फर्नीचर बनता है? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ये मानते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर में मार्केट बढ़ गया है? आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि मार्केट बढ़ने से प्रॉफिट तो बढ़ा है, लेकिन लोग भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं? कितने लोग मानते हैं? सब लोगों ने सुना है, राइट? आप लोग कितने लोग जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 साल से गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई है? कितने लोग जानते हैं? ये बड़ी गंभीर बात हो गई थोड़ी. आप लोगों में कितने लोग टैक्स का पैसा भरते हैं? क्योंकि क्योंकि सीतांडी ले गई थी, पैसा तो सबको भरना तो पड़ता ही है. तो भाई अपने ही टैक्स के पैसे से जो अपनी ही इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो जानने के लिए हमने फुर्सत क्यों नहीं निकाली थोड़ी बहुत भी? अगर 10 साल से गवर्नमेंट हमारे ही टैक्स के पैसे से हमारे ही जैसी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रही है और हमें नहीं पता पड़ा, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी भी लगे कि हमें नहीं पता है, किस कारण से नहीं पता है, राइट? उसका एक रीजन है, हमारा जो सेक्टर है वो बड़ा अनऑर्गेनिक सेक्टर है. मानेंगे इस बात को? मतलब आप लोगों ने किसी ने कोई किताब में तो नहीं पढ़ा होगा कि यार फर्नीचर इंडस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही है, काम करते हैं इसके बारे में सीखता हूँ, मॉड्यूलर फर्नीचर कैसे बनाते हैं, और फिर मैं बोल जाता हूँ. आपने ये देखा होगा कि धंधे में प्रॉफिट दिख रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, लोग कारपेंटर की जगह पर आजकल कस्टमाइज वाला अपना फैक्ट्री में बनाया माल ज्यादा पसंद करे, राइट? यही सोच के आप लोग जुड़े होंगे, अब प्रॉफिट दिखा होगा कि इसमें हो सकता है. या इंडिया उड़ गए होंगे तो मशीन वाले ने बोला है मशीन लगाओ, बस वो जैसे प्रिंट आउट देते हैं वैसे आपको फटाफट निकलेगा, किचन बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा, राइट? तो हमने किसी ने भी ये सीखते हुए या कॉलेज में समझते हुए या इसके बारे में स्टडी करते हुए नहीं किया, तो वो गैप नहीं रह जाता है. विदाउट दिस, जब 10 साल पहले यही अपॉर्चुनिटी इंडिया की सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को दी गई थी, तो इमेजिन करिए किस इंडस्ट्री ने इसके ऊपर में सबसे जल्दी काम करना चालू किया होगा, जो आदमी ऑर्गेनाइज होगा, राइट? एग्जाम्पल ले दो, ऑटोमोबाइल वाले,
टेलीकॉम वाले, आईटी आईटीएस वाले, फार्मा वाले, हॉस्पिटैलिटी वाले, क्योंकि वो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है या कई बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, तो उनको जब पहले दिन ही अपॉर्चुनिटी मिली तो उनके बहुत सारे गवर्नमेंट एसोसिएशन के साथ में बैठे हुए लोग जो उनके इंडस्ट्री एसोसिएशन वाले थे, उन्होंने बोला हम इसको फुल फ्लेवर लेके देंगे। एक छोटा फ्लेवर देता हूँ, अप्रेंटिसशिप के ऊपर में 6 महीने से 12 महीने की अप्रेंटिसशिप के ऊपर में गवर्नमेंट 9 से 18 हजार रुपए खर्चा करती है, और ऑटो इंडस्ट्री ने पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर में लगभग 1 लाख से ज्यादा अप्रेंटिसेस के ऊपर में ये सुविधा गवर्नमेंट से ली है। हमने 500 लोगों के लिए नहीं लिया अभी तक। मैं आपको लंबे से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना कुछ काम हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता इसलिए। उसका कारण यह है कि हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं है, हम लोग एक संस्था के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, या फिर हमने एक फॉर्मल एक इंडस्ट्री एसोसिएशन नहीं है हमारा, या बॉडी नहीं है, राइट। उसके कारण से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते बड़ा समय लग जाता है। जैसे आज इन्होंने जो बताया अभी 20 मिनट के वीडियो के अंदर में, इन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बताया, अब इतने डिटेल में जाके कभी समझा प्रोडक्ट, मेरे ख्याल से इतने लोगों ने डिटेल में नहीं घुसा होगा, राइट, कि ये क्यों बन रहा है, ऐसे क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट। अब ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें स्किलिंग का पार्ट है। मैं आसान सवाल पूछना चाहूंगा पहले, कि ताकि क्लैरिटी रहे, कि हम स्किल की बात करेंगे यार, बहुत सारी स्किल की बात करेंगे, तो स्किल के मतलब से हम क्या समझते हैं। कोई भी इंसान जॉब, जिस पर मैं नीचे रहता हूँ, एक माइक आपके लिए और लेते नीचे, स्किल की जब बात होती है तो स्किल से आप लोग क्या समझते हैं, ये स्किल एक्चुअली है क्या। इंटरेक्टिव रहेंगे, मैं यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए आपको क्या लगता है स्किल डेवलपमेंट क्या है, किस स्किल बताया, कोई भी कैसे स्किल की बात कर रहे हैं, कोई भी क्या आपको ऐसा लगता है। हाँ, पहले दूसरा था लिया, क्योंकि जो मैं जो पहला कदम मैंने मुश्किल वाला कदम, मुझे पता है कि बाद में और भी लोग भूलेंगे हमारे। ये स्किल में एक्यूरेसी होना जरूरी है, प्रोडक्ट में स्किल प्रोडक्ट देना है तो तो ये इस तरह से जो अलग अलग स्किल सेट है, चाहे वो एंट्री लेवल पर हो, फैक्ट्री लेवल पर हो, मैनेजमेंट लेवल पर हो, इस तरह के जो अलग अलग स्किल्स हैं उसको डेवलप करने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई गई। गवर्नमेंट ने 2014 के अंदर में क्या किया, जब मोदी पार्ट बनाई थी, उनका बल इंडिया को सशक्त बनाने के लिए स्किलिंग को बढ़ाने के लिए, स्किल से बढ़ जाए लोगों में तो अधिकतर अनएम्प्लॉयमेंट हट जाए। किसी को आज अच्छा खाना बनाना आता है तो शेफ बन जाते हैं, आज किसी को गाड़ी चलाना आता है तो वो ओला उबर या स्विगी उबर में चले जा रहे हैं, तो किसी को अच्छा और भी कर रहा है, इतने सारे स्किल्स हैं, अगर वो आगे जो भी स्किल आ गया तो वो आगे बढ़ जाएगा। ये उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, पहली बार इंडिया में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में एक कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई गई, जिसका नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट ने एक चीज और स्मार्ट करी, उन्होंने बोला हमारा इंटेंशन तो है लेकिन हमारे में अकल नहीं है, ये आपके सेक्टर के लिए, आपके इंडस्ट्री के लिए आपको क्या स्किल सेट चाहिए। अगर हम बोले हमें थोड़ी ना पता है कि फर्नीचर बनाते हो तो आपको क्या क्या चाहिएगा, आईटी में क्या बनाते हो क्या क्या चाहिएगा, या कल को क्या लगेगा, तो गवर्नमेंट हमारे काम करते हैं, ये वाला जो स्किल डेवलपमेंट का अपन मॉडल बनाएंगे इसको अपन पीपी में रखते हैं, थोड़ा इंटेंट हमारा मदद हम करेंगे, हम इसमें पैसा लगाएंगे, लेकिन इंडस्ट्री को समझदारी लेनी है, इंडस्ट्री को बढ़त देनी है, इंडस्ट्री को उसको मिशन को आगे लेके जाना है। इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय पर कुछ 40 सेक्टर स्किल काउंसिल बनाई। सेक्टर स्किल काउंसिल का मतलब यह हुआ कि अलग अलग इंडस्ट्री बॉडीज जो है उनके सब इंडस्ट्री वाले को जोड़ के उसको आगे देखते हुए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किलिंग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक काउंसिल बना दिया था। तो ऐसी काउंसिल जो हमारे सेक्टर के लिए बनी हुई थी, फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल, जो 2015 से चालू है। अब ये काउंसिल करती क्या है इसमें हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ स्लाइड आगे चले जाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट।
एक्सरसाइज वाला मामला है, अभी एक अगला वीडियो में लगाने वाला हूँ केवल ये बताने के लिए कि स्किल्स क्या क्या होती है और स्किलिंग के जो पावर है वो क्या पावर है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ उस मिले वीडियो का। जिस तरह से आज हम लोग स्किल बैकग्राउंड नहीं मिलने के कारण अपने धंधे को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अगर हम बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बढ़ा नहीं पाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम 1950 के अंदर में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में भी आई थी। उस टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन, वो फॉर्म हुई और उन्होंने कहा कि हम वो स्किल सेट्स जो मार्केट में चाहिए उसको पॉपुलर करने के लिए कॉम्पिटिशन करेंगे, स्किल कॉम्पिटिशन करेंगे और उसके थ्रू लोगों में जागरूकता आएगी कि स्किल यानी चाहिए रहती है, इसको सीख लूंगा तो मेरे को काम भी मिल जाएगा और मैं आगे तरक्की भी कर लूंगा और इंडस्ट्री का काम भी हो जाएगा, गवर्नमेंट का काम भी हो जाएगा। राइट, आपने किसी ने वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन के बारे में सुना है, आपने ओलंपिक्स के बारे में सुना है, राइट? तो जैसे ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए होता है वैसे ही ये कॉम्पिटिशन जो है वो स्किल स्किलिंग के लिए होता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है। अब इस अगले एक मिनट के वीडियो के अंदर में आप कई अलग अलग तरह के स्किल देखेंगे जो लोग उसके अंदर में काम कर रहे हैं। राइट, मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें और बताएं इस वीडियो के बाद हम बात करेंगे कि आपने कौन कौन से स्किल सेट देखे और उसके बारे में आपको क्या लगा कि क्या ये भी चीजें इंडिया में नाम करवा सकती है हम लोगों को। ठीक है, प्लीज नहीं वही हो जाएगा।
कैसा लगा? अच्छा लगा आपके पास? अब क्या हमें ये भी लग रहा है कि हमें बहुत कम पता है और क्या क्या हो रहा है दुनिया में? मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा था, ये 2019 की बात है। मैं 2017 में पहली बार हिंदुस्तान से हमारे ट्रेड के लिए भी बच्चे जा रहे थे। ट्रेड का नाम था कैबिनेट मेकिंग और हमारी फैक्ट्री सेटअप बड़ा अच्छा था, तो हमें स्किल इंडिया वालों ने अप्रोच किया। उन्होंने बोला कि भैया अपने आप बच्चों को तैयार कराओ, आपके यहाँ फैसिलिटी ठीक दिख रही है। तो हमने कहा ठीक है, बिल्कुल देश के नाम पर हो रहा है, मेक इन इंडिया है, हम स्किल इंडिया है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम 6-7 महीने से बच्चे की तैयारी करा रहे हैं, हम लगे हुए उसके अंदर। मैंने सोचा यार ये देख के तो आए भी, हम किसके लिए तैयारी करा रहे हैं? हमने ये वीडियो में नहीं देखा था, इस तरह का कोई वीडियो उस टाइम था भी नहीं। 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी हम इतने सपने देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमें इन सपनों को पूरा करने का जो फॉर्मूला इन लोगों ने लगा रखा है, ऐसे आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड के बहुत सारे लोग थे, वो हमें फॉर्मूला नहीं पता है। हम जाके चाइना में जाके देखे पता था कि हमें इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई, हम भी लगा लेंगे और कर लेंगे, लेकिन वो उसके पीछे क्या कर रहे हैं, बंदा कैसे तैयार कर रहे हैं, उन्होंने कैसे तैयार करते हैं, वो हम सीख नहीं रहे। तो फिर हम बोल रहे कि हमारे यहाँ पर एम्बिशन है लेकिन हमारे पास रास्ता डायरेक्शन वगैरह बराबर नहीं होता। सो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस स्टेट में गए साल 2017 में हमने शुरुआत करी, 2017 में केवल स्टेट के लिए गए थे कैबिनेट मेकिंग के लिए, 2019 में 2 ट्रेड के लिए गए थे, 2022 के अंदर में 3 ट्रेड के लिए स्विट्जरलैंड में बच्चे गए थे। इमेजिन करिए, हम में से कहीं ना कहीं कभी ना कभी खुद की भी इच्छा रही होगी और हमारी इच्छा अपने बच्चों के लिए भी रही होगी कि वो कोई ऐसा काम नहीं कर जाए जिसके कारण देश में नाम हो जाए या अपने सिटी में नाम हो जाए। कर जाए पहला सबसे ऐसा मौका देखा जाता है कि अकेडमिक से बच्चा अच्छा हो जाए, और पहले तो ऐसा सिस्टम था कि अकेडमिक से बच्चा अच्छा नहीं हुआ तो वो तो जीवन भर लग गया सर पे कि भाई ये तो फिर पिछले दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर पर दिया जा रहा है। फिर हमें पता पड़ा कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आज आप विराट कोहली बन के यहाँ भी इंडिया का नाम रोशन कर सकते हो, ये तो एस्पिरेशन की बात हुई। बट यहाँ जो बच्चे जा रहे हैं और जो करियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, मैं एग्जाम्पल इसको समझाना चाहूंगा। आज से 20 साल पहले सारे लोगों का जो चैलेंज था डांस इंडिया डांस था क्या था, तो बहुत बड़ा नाम नहीं था। आज रीजनल लैंग्वेज में डांस कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, एक्टिंग चल रहे हैं, राइट? उससे हो क्या रहा है, हम क्या लगता है, क्या केवल कॉम्पिटिशन ही बढ़ा है? थोड़ी सी नजर डालते हैं अपने घर पे हुई लेटेस्ट शादियों के बारे में। शादियों में क्या कोरियोग्राफर लगा था, क्या म्यूजिक लगा था, क्या डीजे लगा था, क्या कॉस्ट्यूम्स लगे थे? तो केवल रिक्वायरमेंट उस स्टेट की नहीं पड़ी, उस स्टेट ने ऐसा रिक्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स कोरियोग्राफर्स वहां भी काम करने लगे। उन्होंने सोचा नहीं था कि यहां भी काम मिल सकता है, तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री बदल गई, पूरी की पूरी इंडस्ट्री बढ़ गई। तो हमें क्या इसको भी एक चीज को भी मूल रूप से मान लेंगे कि हमें अपने इंडिया में स्किल लेवल बढ़ाना है, हमें कॉम्पीट करने के लिए कॉम्पिटेंट बनना जरूरी है, तो भी बहुत बदलाव आना चालू हो जाएगा। अब इस साल ये बच्चे सारे फ्रांस जा रहे हैं, ये पिछले साल के थे, इस साल के 3 बच्चे जो पूरे सिलेक्शन के थ्रू हुए हैं। आगे वाले एक छोटे से वीडियो में दिखाना चाहूंगा मैं आपको, आगे बढ़े प्लीज। ये एक सर्वे हुआ था कुछ साल पहले कि इंडिया का स्किल्ड वर्कफोर्स कितना है, नंबर बहुत ज्यादा खुशनुमा नहीं है, लेकिन आप ये देखोगे जो ये नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं कोरिया जापान जर्मनी यूके के, ये वही लोग हैं जो हर साल वहां जब जाते हैं तो टॉप जो 5 कंट्रीज होती हैं तो वो मार्जिन से होती है, ऐसा नहीं कि बारिश कम होता है, वो यहाँ पर यही लोग कर रहे होते हैं। उसका सिंपल रीजन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो अपनी कंट्री के अंदर में जब इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं वो तुक्कों पे नहीं कर रहे हैं, वो ऑन द जॉब बैठ के बैठे बैठ सीख जाएंगे, कर लेंगे, करा लेंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको कर रहे हैं। और अगर हमें भी बहुत जल्दी और बहुत तेज और बहुत अच्छा आगे बढ़ना है तो हमें भी वो फॉर्मूला कम से कम उतना लगाना पड़ेगा, वरना बढ़ेंगे तो भाई रो तो नहीं रहा है, बढ़ने से समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। अगला प्लीज नेक्स्ट। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वहां पर केवल लगा हुआ, केवल एक बच्चे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे आईटीआई के अंदर में भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पूरे 20 बच्चों के लिए जो वहां पर शामिल होते हैं वो केवल एक बच्चे का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ जो आपको नीचे दिख रहे हैं, यहाँ पर चेहरे अलग अलग तरीके के चेहरे होंगे, छोटे छोटे चेहरे दिख रहे हैं आपको, ये अलग अलग देशों के वो एक्सपर्ट्स हैं जो कभी खुद कॉम्पिटिटर भी थे, तो वो वहां जाकर अपने बच्चों को और ट्रेन करते हुए इतना ट्रेन अच्छा कर रहे हैं कि वो आगे से आगे एक्सपर्ट्स होते जा रहे हैं। इमेजिन करिए आज अपने अपनी फैक्ट्री में जाते हैं और आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो आपको आगे पूरी रिपोर्ट ढंग से दे सके, आपको बोलना नहीं पड़ेगी आज सुबह क्या काम हुआ था, शाम को क्या काम हुआ था, जॉब कार्ड थे कि नहीं थे, प्रोफिशिएंसी कितनी है, प्रोडक्टिविटी कितनी आई है, बहुत आसान हो जाएगी लाइफ। आप ये सोच सको कि शायद कितना ऑर्डर और लाऊं, कितनी फैक्ट्री को और बढ़ाऊं,
तो आपका काम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह पर बिजनेस को आगे बढ़ाने लग जाएगा और उसके लिए आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा इशू ये भी है कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है। आज आप लोगों में से कितने लोगों ने कोई अच्छे कॉलेज में जाके रिक्रूट किया है अपनी फैक्ट्री के लिए लोगों को, कितने लोगों ने किया? सेल्स के लिए शायद फिर भी इक्कर उक्कर, या अकाउंटिंग के लिए कर लिया होगा, मार्केटिंग के लिए कर लिया होगा, मैन्युफैक्चरिंग जिसमें आप सबसे ज्यादा पैसा लगा रखे होगी, राइट? मेरे ख्याल से आपकी गाड़ियों से ज्यादा कीमत अपनी मशीनों की होगी, उसके अलावा कोई सर्विस इंजीनियर होगा ना, उसका ऑपरेटर आपने कोई ऐसा लिया होगा कि भाई हाँ मैं खरीद तो 20 लाख की गाड़ी रहा हूँ और चलाने में उसको ध्यान देता हूँ, हर टाइम मेंटेनेंस टाइम से देता हूँ, लेकिन मेरी 20-25 लाख की मशीनें बड़ी हुई है और वो नाम पर उसे चल रही है, तो 15,000-20,000-25,000 का बच्चा आ रहा है, वो लग रहा है उस पर और जैसे वो ऑपरेट कर रहा है, कभी सोचा इस तरह से हमने, राइट? तो हमें उसके लिए टैलेंट की जरूरत है, क्योंकि कई चीजें जो हम हमारे धंधे के अंदर में आगे नहीं बढ़ पा रहे वो उस कारण से भी हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं आपको छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूँ, इस साल की जो 2024 की साइकिल रही थी, जो बच्चे वहां जा रहे हैं अभी, इस बार फ्रांस जा रहे हैं, लियोन जा रहे हैं, आप स्केल देखिएगा, ये यशोभूमि जो अभी दिल्ली में इनॉग्रेट हुई है, वहां भी बच्चे तैयार हो रहे थे, वहां कॉम्पिटिशन हुआ था इंडिया स्किल्स, जैसा वर्ल्ड स्किल्स होता है वैसा इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन हुआ, एक्सपर्ट्स हो गए हैं आप ही के जैसे लोग जो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, टैलेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चे बराबर से सीख रहे हैं चीजें क्या करनी है, और ये जो बच्चे आगे जा रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, अलग अलग स्टेट्स की बॉडीज आई है वहां पर जो देख रही है, अच्छा ये भी होता है, ऐसा भी होता है, आपके ट्रेन में इतनी रिक्वायरमेंट है, इस तरह की रिक्वायरमेंट है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हम भी लगाने के लिए आप मदद कर सकते हैं। एसपी आए उन्हें नवाजने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उनको अवार्ड देने के लिए, जो बच्चे जीते हैं उनको 1,00,000 रुपया, 75,000 रुपया, 50,000 रुपये का इनाम भी मिला, और गवर्नमेंट की पूरी ट्रेनिंग का खर्चा उठा रही है, मतलब 40,000-50,000 रुपये एक बच्चे पर खर्चा हुआ है। नेक्स्ट सो ये है पावर ऑफ स्किल्स। इमेजिन करिए अगर आपके यहाँ पर एक दो भी समझदार बंदे हुए तो उससे कितना फर्क पड़ जाएगा। 2017 में जिस बच्चे को हम तैयार कर रहे थे वो इवेंचुअली अगले साल हमारी फैक्ट्री में जुड़ा, तब उसे हमने 30,000 रुपये की पर मंथ सैलरी पर लिया था, क्योंकि वो बड़ा समझदार बाकी लोगों में से था, उतनी मेहनत उसके ऊपर की गई थी। आज उस बच्चे की सैलरी लगभग 1,20,000 से ज्यादा है, उसके नीचे 5 से 6 डिपार्टमेंट के टीम के लीड्स हैं और उनके नीचे फिर और 2-3 लोग हैं, जबकि उसकी उम्र केवल 25-26 साल है। क्यों है? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग वगैरह होने के कारण वो अच्छे से लोगों को काम दे पाया, सीख पाया, सिखा पाया, कैड कैड सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है, प्रोडक्शन संभाल लेता है, और ये एक एग्जाम्पल है। इसके बाद जो और बच्चे उसमें जुड़ते जा रहे हैं वो उससे और, तो अगर हमने इस तरह से और सिस्टमैटिक में बच्चों को निखारना चालू कर दिया तो इमेजिन करिए कि हमारा काम का लेवल कितना बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब इसमें फर्नीचर फिटिंग स्किल काउंसिल का क्या रोल है? तो हमने जो अलग अलग समय की कोई बंदिश हो सीखना हो तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा और समय लूंगा आप लोगों का, ताकि आप लोगों को अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो बता दे ना, जाने ही मजा आ रहा हूँ, थोड़ा सा हाथ डाउन कर लेना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है? तो ये मिनिस्ट्री, ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंदर आती है बॉडी, मिनिस्ट्री के मैंडेट में काम कर रही है, लेकिन इसको चला इंडस्ट्री रही है, ठीक? इसके अंदर में नेक्स्ट टाइम ये मिनिस्ट्री ने एक और, जैसे मैंने आपको बताया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में करा, तो एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर में सारी बॉडीज आती हैं। मिनिस्ट्री ने रेगुलेटरी बॉडी बना रखी है कि आप जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर लगाएंगे करेंगे, ये बराबर सिस्टम से हो, तो उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी भी है, जैसे सभी है मार्केट्स के लिए, उसी तरह से ये भी बॉडी है जो ये देखती है कि भाई जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहा है, ट्रेनिंग सेंटर लगा रहा है, वो बराबर है कि नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। तो हम लोग इन सारे सेक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, बेसिकली जितने आज सर आपने कभी भी फर्नीचर इंडस्ट्री जब बोला है तो आपने सब लोगों को साथ में लेके नहीं गिना होगा, हम यहाँ पर सब सेक्टर्स को साथ में लाने की बात करें, तो ये जो प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम हमने बताई थी शुरुआत के अंदर में, अनऑर्गेनाइज होने से जो हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होती जा रही है। कैसे सॉल्व हो रही है भी आपको आगे देखने को मिलेगा, तो इंटीरियर डिजाइनिंग वाले, फर्नीचर डिजाइनिंग वाले, मैनुफैक्चरिंग वाले, प्लाईवुड पैनल, लैमिनेट्स, इस तरह के सारे जो सब सेक्टर्स हैं उनको मिलाकर
हम आज अपने इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं गवर्नमेंट के पास में। बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट आधे से ज्यादा टाइम तो ये समझ नहीं पा रही कि भाई आप लोग हो कौन। उनको अभी भी ये लग रहा है कि ये फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो इवन हाईएस्ट ऑफिसर उनको लगता है अच्छा कार्पेंटर्स की बात ही कर रहे हैं, मतलब आप लोग तो हम लोग तो कहीं हिंदी में आते नहीं, ऐसा मामला है। और ये मैं ये कर रहा हूँ आपको, जो मिनिस्ट्री की मीटिंग के अंदर बैंक के अंदर बात हुई थी, हम प्रेजेंटेशन देने गए थे तो हमने एक वीडियो लगाया, हमने वेबफिट का वीडियो लगाया था वहाँ पर कि इसके लिए दिखाने के लिए कैसे यंग वर्ग लोग भी आ रहे हैं इंडस्ट्री में और कमाल कर रहे हैं। तो वो एक मिनट के लिए तो शॉक में फोन उठ रहा है कि इसमें कोई भी बंदा मुझे तो कारपेंटर नहीं दिख रहा है। फिर उस वीडियो में कुछ नंबर्स थे कि इस सेटअप के थ्रू 1 लाख घर एक महीने के अंदर बन सकते हैं। तो वो सोचे कि इतने सारे घरों की जरूरत भी है और इतने सारे रिक्वायरमेंट है और यह इंडिया में बन रहा है, मैंने बोला मां की तो एक फैक्ट्री है, ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज है और ऐसी बहुत सारी फैक्ट्री की जरूरत है क्योंकि अभी भी बाहर से बहुत सारा माल आता है, राइट। तो इसके बेसिस पर केवल हम इनको साथ में नहीं ला रहे, इन सब के काम करने के अंदर में पूरी वैल्यू चेन में, चाहे मैनेजमेंट है, डिजाइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंस्टॉलेशन है, जिस भी तरह के जॉब की रिक्वायरमेंट है, आज आपको कैटेगरी डिजाइनर की रिक्वायरमेंट है, आज आपको इंस्टॉलर की रिक्वायरमेंट है, इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कर सके, उस तरह के जॉब में ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ये एक बहुत अहम काम है जो काउंसिल करती है। ये कैसे करती है, ये मिली जुली रिसर्च करी हुई समझ के थ्रू ही प्रोग्राम सुनाती है, इसमें इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको साथ में लाया जाता है और वो मिलकर इसको प्रोग्राम से बनाते हैं। ये प्रोग्राम बनने के बाद में ऐसा नहीं है कि बन गया एक बार और हो गया खत्म, मामला ऐसा नहीं है। बनने के बाद में ड्राफ्ट स्टेज पे इंडस्ट्री पे भेजा जाता है, इंडस्ट्री के लोग उसको ऑफिस रिव्यू करते हैं, ओके होने के बाद में गवर्नमेंट को रखा जाता है, गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है और वो इंडिया का स्टैंडर्ड बन जाता है। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हम हॉस्पिटल जाके दिल का दर्द है कोई भी डॉक्टर को दिखा देते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को जाएंगे, हार्ट वाले स्पेशलिस्ट को जाएंगे, राइट। तो भी हमारे लिए जब साइड में मॉड्यूलर फर्नीचर इंस्टॉल करना है तो हम ये क्यों बोलते रहते हैं कि कारपेंटर ही सब कुछ कर लेगा, या हमें मशीन ऑपरेट करनी तो बोलते हैं कि कारपेंटर चाहिएगा, कारपेंटर लगा दो हो जाएगा, और मशीन भी अगर ऑपरेट करना तो ऑपरेटर भेज दो हो जाएगा, कौन सी मशीन का ऑपरेट करेगा, एक फॉर्कलिफ्ट वाला आपकी मर्सिडीज को ना चला पाएगा, या एक पैनल सॉ वाला ऑपरेटर आपका दूसरी मशीन शायद ऑपरेट ना कर पाए। तो वो जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो डेवलप करने में भी काउंसिल इसके ऊपर में काम करती है। तो हमने प्रोग्राम चालू किया था कुछ साल पहले, स्किल एम्बेसडर प्रोग्राम, और उसके थ्रू हम लोगों ने इंडस्ट्री के कई लोगों के साथ जोड़ा। आज 1500 से ज्यादा लोग अलग अलग पार्ट्स में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसमें आपको अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी कंपनी मिल जाएगी। इस गवर्नमेंट ने एक जो बड़ा चेंज लाया और जो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में बोलता हूँ कि सबसे बड़ा चेंज है एक्चुअली आज इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में बदलाव लाया गया 35 सालों के बाद। उससे हुआ क्या, एक आसान एग्जाम्पल जो समझने की कोशिश करते हैं, आप कितने लोग ये मानते हैं कि अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है 10वीं के बाद में तो उसके ऊपर एक टैग लग जाता है कि नहीं ये थोड़ा फेलियर हो गया, कमजोर हो गया, भले उसे अच्छा बिजनेस बना लिया होगा, घर की मैं शादी की फैमिली फंक्शन में ही बोला मतलब भैया ने धंधा बहुत अच्छा बनाया लेकिन पढ़ाई में कमजोर थे, एक टैग लग जाता है जैसे। और आप लोग कितने लोगों ने यह सुना है कि बाहर जब होता है तो बच्चा लोग फिजिक्स के साथ में आर्ट्स भी पढ़ रहा होता है, उसके मन में जो सब्जेक्ट आता है वो पढ़ता है, साथ साथ में वो दूसरी चीजें भी करता है, आगे बढ़ जाता है, राइट। ये बड़ा बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आ रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आप स्किलिंग को भी मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। तो ये जो स्वतंत्र व्यवहार होता था कि चलो ठीक है मेन स्ट्रीम में उसी यहाँ बच्चों को आईटीआई भेज देते हैं, कुछ और करा देते हैं, अब आपको उस सोच के साथ नहीं भेज रहा है, अब बच्चों को स्कूल से ही स्किलिंग मैंडेटरी है, आप अपनी इच्छा की स्किल को आगे बढ़े और उसको करते रहे। ये मैंडेटरी 9th-10th में भी रहेगी, 11th-12th में भी रहेगी, बच्चा परसों भी कर सकता है, और हर स्टेज पे आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर में आपको उसके क्रेडिट्स भी मिलते रहेंगे। तो क्रेडिट मिलने का फायदा क्या होगा कि आप इसके बेसिस पर आगे और कहाँ पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, अभी बीच में छोड़ के बाद में पढ़ना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें एक और मजे की बात है, आप लोग जो इतने सालों से काम कर रहे हो, कोई डिग्री वगैरह लेकर काम नहीं कर रहे हो उस फील्ड के अंदर में, आपने जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर काम किया है, जो स्टैंडर्ड्स बनेंगे उसके बेसिस पर आप लोगों को भी क्रेडिट मिल सकता है, आप भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बन सकते हैं, आप भी अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप भी अपना रिकग्निशन और ट्रायल लर्निंग भी कर सकते हैं,
अगर आज आप चाहेंगे इंग्लिश का भी 200 घंटा तो आप वो भी सिस्टम कर सकते हैं। ये बातें सुनने में बड़ी अजीब लगती होंगी, शायद नई नई सी भी लगी होगी, लेकिन ये इंडिया के बाहर में अधिकतर डेवलप कंट्रीज में स्टैंडर्ड सिस्टम है, ऐसी चीजें होती रहती है वहां पर। हम इसको डेवलप करते हुए आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। इसको आसान करते हुए और एक एस्पिरेशन वैल्यू क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अभी भी फर्नीचर इक्वल टू कारपेंटर ही समझा जाता है अधिकतर लेमन टर्म्स में देश के अंदर में, हमने प्रोग्राम्स के नाम भी नए बेसिस पर रखने की कोशिश करी है, रखा है उसको तीन कैटेगरी में रखा है, डिजाइन बिल्ड और मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स। और एंट्री की प्रॉब्लम जो हमारे सबसे बड़ी है कि एंट्री का वो सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री में, तो हमने उसको सॉल्व करने के लिए एंट्री लेवल प्रोग्राम्स भी यहाँ पर बनाए। नेक्स्ट प्लीज। ये सबके ऊपर मैं एक दिन निकाल सकता हूँ बात करने के लिए, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि दिखा कि क्या क्या हो रहा है ताकि आप लोगों को पता रहे कि आज हम क्या मिस कर रहे हैं और हमारी ग्रोथ में क्या फायदा मिल सकता है। एक ही पॉइंट अगर आपको लगता है कि इससे फायदा मिल सकता है तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए, कि धंधा बढ़ाने की बात है, धंधे को बेहतर करने की बात है। एक सिस्टम हमने इसमें क्रिएट किया है, किस तरह से बच्चे की झंडी रही। आज हम लोगों ने सब ऑन द जॉब सीखा है, कोई नया भी आता है तो ऑन द जॉब सीखता है। मानिए आपके आदमी की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, मैं पैसे की एनालिसिस देता हूँ, आप जल्दी समझ में आ जाएगा उस बात से। कोई नया बंदा जुड़ा, आपने कैसे बोला कि अच्छा यार एक काम करो, अपने दो चार लोगों की जरूरत है, उसने बोला मेरे गाँव में मेरा भाई है, मेरे चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है, वो आ जाएगा। अब वो आएगा तो आपको पहले दिन से मीटर चालू होगी, 10 से 15 हज़ार रुपये मिनिमम लगना है, रहना खाना लगा रहा उनके देगा पड़ेगा। और अगर उसको नहीं आता है 10 से 15 घंटा, उसने कोई प्रोडक्ट बिगाड़ दिया तो उसका खर्चा अलग है, राइट। अब 6 से 9 महीने के अंदर में 12 महीने के अंदर में थोड़ा बहुत सीख के आपके यहाँ काम करने लायक हो गया, लेकिन उसमें इतनी अगर आ गई कि पड़ोसी यहाँ पर आप तो 15 दे रहे थे, वो 18 दे रहे, तो आप तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गए और आपके यहाँ से चला गया, राइट। अब आईटीएस के अंदर में आईटी वाले को जब ये करना होता है तो आईटी वाला कॉलेज जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे को उठाता है और वो कर देता है। मतलब हमारे यहाँ पर भी कोई ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए एग्री करते हैं, ताकि ये जो ट्रेनिंग अगर हम कर रहे हैं हमें भी करना पड़े और हम जितना कर सकते उतना करें, राइट। तो ये हमने प्रोग्राम उस हिसाब से बनाया है कि बच्चा कैसे एंट्री लेवल के ऊपर में आपके यहाँ जब आ रहा है तब तक एटलीस्ट इतना समझ के आया कि पहले दिन से आपको थोड़ा बहुत आउटपुट तो दे सके और फिर अगला 6 महीना आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आगे बढ़ सके। बट इसको चलाने के लिए करने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आवश्यकता रहेगी, वो कैसे बनेगा क्या बनेगा वो भी मैं आगे स्लाइड में कवर कर रहा हूँ। आगे प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, आज CBSE की मार्कशीट, महाराष्ट्र बोर्ड की मार्कशीट वगैरह सब सब देखते हैं, समझते हैं, राइट। आज हम किसी को रिक्रूट करते हैं तो क्या होता है, ये बोलिए अपने यार इसने बोला है तो जरूर ये ठीक होगा, तीन दिन में 5 दिन में हफ्ते भर में 10-15 दिन में पता पड़ता है यार ये ठीक है कि नहीं है, कि 15,000-20,000-25,000 रुपये दिए ठीक है कि कम है ज्यादा, राइट। तो ये हमें एक आइडेंटिफिकेशन भी दे देगा कि जो बंदा आ रहा है कैसे आ रहा है, वो हमारे फील्ड के अंदर का ट्रेंड है कि नहीं। नेक्स्ट प्लीज। अब इसको करने के ऊपर मैं काम कैसे कर रहे हैं, अगर मैं आज आप से किसी एक को उठा के बोलूंगा कि चलो ये करते हैं तो आप बोलोगे यार धंधा करना हमारा काम है, अब इसके आप फंसा रहे, बोले मैं रोज तो नहीं दे सकता उतना समय, कभी बोलोगे तो आधा घंटा एक घंटा कर लूंगा, कुछ मेहनत करनी होगी आप लोग साथ कर लूंगा, राइट। अब यहाँ लगभग 40 से 50 लोग बैठे हैं, मैं बोलता हूँ ठीक है आप अपना पूरा मत दो, एक ही घंटा सब दे सकते हो, 50 घंटा हो गया और मिल गया तो हम ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, बोले मैं एक को भाग डाल दूंगा, बोले यार 20-25 लाख खर्चा कर लूंगा मिलेगा ट्रेनिंग सेंटर, कौन चलाएगा उसको। लेकिन हमने बोला हम लोग सब मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि भाई हमें यहाँ पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, आपस में नहीं तोड़ना है, नए बनाएंगे तो सबका पेट भर जाएगा, कॉस्ट भी कम रहेगी, 15 का 18, 20 का 25, 25 का 50 नहीं होगा और बच्चे भी अंदर आ जाएंगे, राइट। ये कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो इसी को करने के लिए हमने एक प्रोग्राम चालू किया, हमने बताया स्किल एम्बेसडर प्रोग्राम। और अच्छी बात यह कि आज हम नासिक में आए हैं तो आपको वो सब चीजें नहीं करनी पड़ेगी, वो ऐसा नहीं करना पड़ेगा जैसे इन लोगों ने 2020 से करते करते धीरे धीरे लड़काते हुए सीखा करा और आगे बढ़े। मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आपको जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी इंडिया में कहां पर क्या क्या हो रहा है। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम एक मॉडल बता रहे हैं आपको, उस मॉडल के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हम जल्दी जो उन्होंने शायद 4 साल में किया अपन जल्दी करते, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। हाँ, ये वीडियो प्ले कीजिएगा। तो आपके जैसे इंडस्ट्री वाले लोग जब इस मुहिम में साथ में जुड़े तो हमने क्या अचीव कर लिया और हमने क्या बनाया वो आज आपको उस वीडियो को देखने को मिलेगा। फिर हम आएंगे कि हमें यहाँ क्या करना है और कैसे करना है उसके सिंपल स्टेप्स के ऊपर में, ठीक है। इसको प्ले कर दीजिए।
our strategy to harness the power of skill. दो हजार बीस से लेकर ये 2024 तक का है सफर जिसके अंदर हम लोग जुड़े हैं और ऑटोमोबाइल डे वन से और मैं इस में चल रहा था गवर्नमेंट कई ऐसे प्रोग्राम्स करती हैं जो हमने भी पीछे लेके थे जिसको फ्रेश ट्रेनिंग के लिए अपस्किलिंग के लिए रीस्किलिंग के लिए जिनको काम पहले से आता है उनकी प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन की भी करती है तो वो सब कार्यक्रम के भी होते हैं और उसमें भी गवर्नमेंट फंड करती है बल्कि कि आप लोगों के यहाँ पर ट्रेनिंग हो सके और ऐसा कई कंपनीज ने फायदा पिछले 4 से 5 सालों के अंदर में लिया है जो हमें देख पाएंगे कई कंपनी से अपना सीएसआर का भी पैसा लगाया है इसके अंदर में और कई दूसरी कंपनी से भी सीएसआर का पैसा हमारे इंडस्ट्री में आगे बेटर नहीं हो रहा है जैसे ग्रीनप्ला है उन्होंने लगाया है हार्डवेयर लगा रही है हेडिंग लगा रही है बॉडीलाइट लगा रही है उससे हमारा इंडस्ट्री का आगे बढ़ने में सहूलियत हो रहा है। हम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है उसका एक कारण ये भी है कि हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री की ब्रांडिंग हो हमारी इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं उनके बारे में भी लोग जाने क्योंकि मीडिया में क्या होता है कि जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहां तो ग्लैमर बहुत है तो चाहे वहां नौकरी मिल रही नहीं मिल रही आदमी सूखे पेट भूखे पेट भी स्ट्रगल करता ही रहता है तो हमारे यहाँ पर नौकरी भी दे रहे हैं अच्छा करियर भी दे रहे हैं तो भी लोगों को पता नहीं पड़ रहा है तो हमारे को अपनी इंडस्ट्री को एक ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है हमारे इंडस्ट्री में एक पुल होना चाहिए कि बच्चा हमारे यहाँ नौकरी करना चाहता है या लोग हमारे यहाँ पर काम करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर से बहुत पुल कर रहे हैं हम लोग क्योंकि उनको लिखा है पड़ोस वाला आदमी एक अच्छा कमा रहा है मैं भी खोल लेता हूँ लेकिन काम करने वाले लोग भी आ सके और उनको अच्छा करे बच गए इसलिए करना चाहिए ठीक है। नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट। हाँ अब इसको हम लोग कर कैसे रहे जैसा मैंने बोला अकेले करना बड़ा मुश्किल का काम है साथ में करने से काम बहुत आसान हो जाता है तो हमारा जो मेन फंडा है वो है पावर ऑफ कोलैबोरेशन कि हम साथ में जो जितना जैसा कर सकता है वो करें। आज यहाँ पर भी जो देख रहे हैं एफर्ट वो पावर ऑफ कोलैबोरेशन का एफर्ट है। एक्शन ने अपने काम के लिए रथ निकाला अनिल जी ने उसमें पावर ऑफ कोलैबोरेशन जोड़ दिया उन्होंने कहा भाई हमारे किले का फायदा नहीं है ये सबका फायदे की बात है आप आगे यहाँ पर बात करो तो ये अदरवाइज यहाँ नासिक में आने में घुसता था हमारे 6 महीना लग जाता या सही बात बताऊँ तो इस साल हमारे काउंटेड सिटी क्षेत्र में था भी नहीं क्योंकि हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है लेकिन जो लोगों वाला साल तो करेंगे अपन लोग आप टेंशन मत लो मैं सोचेंगे बाद में करेंगे पहले और एक्चुअल मोटिवेट हो गया मैंने कहा नहीं आना ही पड़ेगा तो चाहे ऐसे बैठे हैं वैसे बैठे आएंगे और एटलीस्ट इतने लोगों तक और बात पहुंचेगी तो आज नहीं तो कम से कम आज पौधा लगाएंगे आप बीज बोएंगे तो शायद 3 से 6 महीने में पुस्तक चल आ जाएगा। पीआई का नाम सुना होगा लॉयंस का नाम सुना होगा रोटरी का नाम सुना होगा राइट वो क्या कम्युनिटी है जो एक कॉज के लिए काम कर रही है और सारे मिलकर करते हैं जो शायद वो अकेले अकेले ना कर पाते हमने रीजनल चैप्टर बनाया इसलिए है कि इंडस्ट्री वाले साथ में मिल सके जुड़ सके और इसके लिए जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के अंदर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे सके और फायदा भी दे सके। नेक्स्ट प्लीज। अब ये करने के लिए हमें सेंटर खोलना पड़ेगा अलग अलग तरीके ट्रेनिंग सेंटर के मॉडल में क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम लोग कोलैबोरेटिव में खोजते हैं कैसे होता है वो बता पाओगे बताऊंगा भी एक साइड में। नेक्स्ट और आप लोगों को ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप और जॉब की सर्विसेज यहाँ पर आराम से मिल सके इन सेंटर्स के थ्रू राइट। अब सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा एग्जीक्यूट करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन अगर किसी और ने करा हुआ होता है तो देखिए काम आसान लगता है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि जो हमने इसमें अचीव करा हुआ है ऐसे लीडर्स के चैप्टर हमने गए साल 8 चालू किए थे इस साल हमने बढ़ा के 15 कर दिए हैं उसको इनमें से एक लीडर के चैप्टर की सक्सेस स्टोरी का आपको शेयर करना चाहता हूँ जहाँ आप ही ऐसे लोगों ने इस काम को पूरा पूरा मुकाम पर पहुंचाया है। नेक्स्ट प्लीज इसको प्ले कर दीजिएगा। ये हैदराबाद की कहानी है Thank you.
चैप्टर्स रेगुलरली मिलते हैं, इनके डिफाइंड एजेंडा है जो मिलकर साथ काम करके कुछ करना चाह रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से कोलैबोरेट करके उनसे जगह की जगह की हालत देखिएगा। अब ये इंडस्ट्री जुड़ी, गवर्नमेंट जुड़ी, साथ में जुड़े सर, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ। ये हुई जगह अंदर का सेटअप देखिए, आपको लिखा हुआ है 50,000 रुपये खर्चा लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि सेंटर लगा दिया और कल से काम चालू हो जाएगा। बच्चों को नहीं पता है कि आपकी इंडस्ट्री में क्या होता है, तो हमने करीबन 500 से ज्यादा बच्चों के लिए रोज केयर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है, ये बताने के लिए फर्नीचर इज नॉट ओनली कारपेंट्री, देयर इज लॉट एंड मेनी मोर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी एक्सपर्ट्स के थ्रू ये प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं। ये सारे के सारे प्लेस भी हो गए, सेकेंड टाइम भी ऑलरेडी वहां पर चालू हो चुका है। इस मॉडल को देखते हुए हमने गवर्नमेंट को पूछ के हमने बोला कि सर ये चलता हुआ मॉडल है, यहाँ पर सारा खर्चा हमने कर लिया लगा दिया, आप हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रिकमेंड करने का सपोर्ट दीजिए, आप उसको फंड करने का सपोर्ट दीजिए। गवर्नमेंट ने अभी हमें 15 दिन पहले ही वर्क ऑर्डर दिया है, 500 बच्चों की ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट बेयर कर रही है। और ये केवल शुरुआत है, हमने उनको कहा है बहुत क्लियर उसमें, और उन्होंने हमें उसका पूरा आश्वासन दिया है कि आप इस तरह के सेंटर वहां लगाए और आप उसको आगे से आगे बढ़ाते हैं, तो हम हर चैप्टर के अंदर में खोला जाते हैं। अच्छा, हम कॉस्ट की बात करते हैं, क्या लगता है वो पूरा सेटअप लगाने में कितना कॉस्ट लगाया मेरा होगा? 50,000 रुपए के आसपास लगा हुआ राइट। अगर मैं आपको बोलूँ किसी एक ही आदमी ने उसको पूरा पैसा नहीं भरा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा राइट। हमने जब ये ऐसा इंडस्ट्री में दिया, हमने पहले यहाँ से समझा कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है हैदराबाद में राइट। हमने ये भी समझा कि आप कौन सी कंपनी ज्यादा चलती है, होमैक का नाम उसमें से निकल गया है। हम होमैक के पास गए, हमने उनको बोला सर देखिए ऐसा ऐसा है कि इंडस्ट्री की जरूरत है और यहाँ पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट जरूरत है, आपको भी पता है यहाँ हमें ट्रेनिंग सेंटर खोलना है, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए और आप नहीं करोगे तो हम पीछे भी चले जाएंगे। तो लेकिन हमारे यहाँ से आपको मौका नहीं दिया, उन्होंने हमको बोला कि हम पूरा फ्लैग सपोर्ट करेंगे इसको, आप मशीनों में दिक्कत मत लीजिए, जो मशीनें हम प्रोवाइड करेंगे आपको, जब तक यूज करना है आप ट्रेनिंग के लिए यूज करें। तो जो आपने 40-50 लाख की मशीन हमें देखी वो सारी मशीनें होमैक ने प्रोवाइड करें। अब कंप्रेसर होमैक नहीं देता है, न्यूमेटिक सिस्टम होमैक नहीं देता है, बाकी भी खर्चे और भी थे। इंडस्ट्री वालों ने बोला, हमने केवल इतना बोला कि ये चीजों की दिक्कत पड़ रही है, वहाँ के लोगों ने साथ में जुड़े, उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ें अरेंज इवन मन भी मीनू की टीवी फ्रिज फ्रिज टीवी अरेंज हो गया है, स्मार्ट टीवी, चेयर्स किसी ने चेयर्स डोनेट कर दी, किसी ने टेबल्स डोनेट कर दी, किसी ने पावर टूल्स का सिस्टम डोनेट कर दिया, और उन्होंने बोला कि आप उसको बराबर से चलाएंगे। अब चलाने के साथ में एडवांटेजेस क्या हो रहे हैं, रोबोटिक्स वगैरह लगेगा करेगा, वहाँ के लोगों ने बोला आप उसकी भी अंशा मत लीजिए, आपको जब जरूरत पड़े आप एक बार बताइएगा, रोबोटिक हमारे यहाँ से आपके यहाँ पहुँच जाएगा। और मैं आपको अभी ऑफलाइन में बैठे हैं, आपको व्हाट्सएप मैसेज पढ़ाऊंगा ग्रुप के, हम सुबह अगर कभी डालते हैं कि रोबोटिक 2 दिन में जरूर बढ़ने वाली है, हमें 2 से 3 घंटे के अंदर ऑफिस से मैसेज लिख के भेजना पड़ता है कि भैया ड्रॉ भेजना बंद करो। वो इंडस्ट्री वाले मिलकर इतना भिजवा देते हैं वहां पर कि वो जरूरत हो जाती है। अब हम इसको और स्ट्रेटजी वे में ले जाते हुए, जब ग्रीन पैन इसको देखा तो ग्रीन पैन ने बोला कि भी आप एक काम करिए, जहां भी सेंटर खुलेंगे वो साल भर के रॉ मटेरियल मैं दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप ट्रेनिंग आइए बंदों को तैयार करके उसको ले लेंगे। इसी के एग्जाम्पल को देखते हुए ये एक मॉडल है, ऐसे और भी मॉडल्स हैं। आपने आईमॉस का नाम सुना होगा, पाइथन का नाम सुना होगा राइट। अभी आईमॉस के साथ में आप आज ही लिंक्डइन पे देखेंगे तो लिवस्पेस आईमॉस और इनको मिला के वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू हुआ है। सिमिलर ऐसी अकेडमी आप भी जैसे एक मॉडल फंडर के अच्छे प्लेयर हैं डेकोर ग्रुप सौरभ जैन जी, उन्होंने अपने यहाँ पर अकेडमी खोली है जहाँ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप वगैरह लगाया है और वहाँ बच्चे आईमॉस ऊपर के ट्रेन होते हुए आगे। तो ये सब पावर कोलैबोरेशन से हो रहा है, जो जितना कर सकता है वो उसके हेल्प कर रहा है और काम कर रहा है। जब यहाँ ट्रेनिंग भी हो रही है तो आप बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना सब में भी नहीं घुस सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं। वहाँ कई लोग ऐसे हैं जो केवल ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आप मेरा लेक्चर फ्राइडे का रख लीजिए, मैं आऊँगा बच्चों को इंस्टॉलेशन में सिखाऊंगा, मैं बच्चों को नेगोशिएशन पे सिखाऊंगा, मैं बच्चों को एक सारी चीज पे सिखाऊंगा। तो अगेन सबके मिलने जुल के काम करने से काम का बोझ कम हो जा रहा है और काम ज्यादा अच्छा आगे बढ़ जा रहा है राइट। नेक्स्ट प्लीज। तो ये महाराष्ट्र में भी इस तरह का जो मॉडल मैंने बताया था, तो जैसे वहां पर केपल है
तो केबल ने क्या किया, केबल ने कहा कि भाई मेरे यहाँ जो पूरा मशीन शॉप का पूरा शोरूम है, अभी शोरूम पूरा ट्रेनिंग के पर्पज के लिए, मतलब मैंने तो मशीन लगा रखी है, मेरे शोरूम में दिखती है मशीन, वहाँ से बेचता है इनका काम होता है, लेकिन खड़ी तो वही, आप उसको ट्रेनिंग में यूज करें। तो इमेजिन करिए हमारे फायदे के लिए कहाँ कहाँ से मदद आ सकती है। अब वो एक फेंडर के साथ हमारा एमओयू हो रहा है, बीएसए के साथ में है, वोटे के साथ में जुड़ा हुआ है, सोलू जुड़ा है, तो ये मशीन वाले भी क्यों, उनके लिए क्यों फायदा है, क्योंकि भैया आप आपके लिए बेटर कर पा रहे हैं ना, आपको कहीं ना कहीं तो उनको बुलाई होगा कोई मशीन खरीदते हुए, यार मैन पावर की जरूरत पड़ती है, मैन पावर भी दे दूँ, राइट। तो ये इस तरह के अभी हमने 26 जुलाई को हमने फाउंडेशन डे बनाया था, वहां पर हमने 20 एमओयू और साइन करे, इसी जो रीजनल चैप्टर लगे बनाए थे उन जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर को चालू करने के लिए, और जो मैंने बताया आपको कि 500 में प्रोजेक्ट नंबर मिले हैं, ये इस क्वार्टर में और आने वाले इस साल के अंदर में 500 नंबर इन अलग अलग सेंटर पे करेंगे, मतलब जो ट्रेनिंग की कॉस्ट थी गवर्नमेंट बियर करते हुए वहां पर ले जा रही है, हमने अपनी तरफ से एफर्ट करी, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एफर्ट करी, कोलैबोरेटिव वे के अंदर में गाड़ी आगे बढ़ गई, और बच्चों को प्लेसमेंट मिल रहा है, वो भी टेंशन वाली बात नहीं है, आई एम श्योर आप सब प्लेसमेंट उसमें दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, हमने हम रेगुलरली गवर्नमेंट के साथ में मिनिस्ट्री के साथ में काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में, इसके अलावा तीन और मिनिस्ट्रीज हैं जो हमारी लाइन मिनिस्ट्री होती है, मतलब हमारे को हेल्प करने के लिए वो लोग भी काम कर सकते हैं, एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो क्योंकि हमारी कोई डेडिकेटेड मिनिस्ट्री नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग मिनिस्ट्री है, ITIDS के लिए अलग मिनिस्ट्री है, राइट, ऐसे हमारी कोई डेडिकेटेड मिनिस्ट्री नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी रिकग्नाइज नहीं है, तो ये मिनिस्ट्रीज भी हमारी मदद करती है और वो भी हमारे को इन चीजों में सपोर्ट करते हैं। हमने मिनिस्ट्री के अंदर में ये सेक्रेटरी सर है IAS श्री अतुल कुमार तिवारी जी, इनको हमने प्रेजेंटेशन दिया, बताया कि भी हमारे इन चैप्टर्स के अंदर में जो हमने सर्वे किया है, स्किल गैप सर्वे किया है, हमें ये रिक्वायरमेंट नजर आई है और उसके हिसाब से हम काम करना चाहते हैं, तो जो हमें नंबर मिला अभी करा वो इसी का नतीजा था। नेक्स्ट प्लीज। जब हमने यही प्रेजेंटेशन उनको दिया, उन्हें अच्छा लगा, तो हमने उन्होंने आगे फॉरवर्ड करवाया उसको, और हमने मिनिस्टर जो है जय श्री जयंत चौधरी जी, उनको भी बताया हमारे इस मॉडल के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में, हमारे इंडस्ट्री के सपोर्ट के बारे में, तो उन्हें भी बात बड़ी अच्छी लगी, और हमारे इंडस्ट्री इवेंट जो हमारा था दिल्ली के अंदर में उसमें वो आए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और उन्होंने हमारे यूनिक मॉडल को, स्किल एम्बेसडर मॉडल को, रीजनल स्किल चैप्टर मॉडल को बहुत सराहना दी, और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से भी जो सपोर्ट भरा रहेगा वो आपको मिलेगा, आप इसको आगे बढ़ाएं और इस पर आगे काम करें। और इसी को हमें ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को हम इंडिया भर में ले जाना चाह रहे हैं, तो हमने वन नेशन वन इंडस्ट्री ग्रो विद द पावर ऑफ स्किल्स करके कैंपेन था, वो भी उन्हीं के हाथों से लॉन्च करवाया, और अब उसके तहत हम अगले एक साल के अंदर में 20 से 25 अलग अलग सिटीज के अंदर में जा जाके लोगों को बताएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको साथ में जोड़कर, जो हमने हैदराबाद में किया है वो एक छोटी सी शुरुआत है, वो हम बाकी जगह भी कर पाए, ताकि हमारे इंडस्ट्री की जो स्किल की प्रॉब्लम है वो हमारी इंडस्ट्री को मिल गई सोल्व करते हैं आपस में। तो क्या ये कुछ सेंस बना रहा है कि हाँ भाई इससे हमारा कुछ फायदा हो सकता है, आने का कुछ फायदा, तो हमें इस पे साथ काम करना चाहिए। तो क्या मैं उम्मीद किया जा सकता हूँ कि 15 चैप्टर हमने गिने हैं, नासिक को नहीं काउंट किया था अभी तक, तो आज नासिक से हमारे पास लोगों का सपोर्ट रहेगा और हम यहाँ पर भी चैप्टर चालू करने के बारे में सोच सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। मेरे घर से लास्ट लाइड ही है, हाँ ठीक है। तो एक छोटा सा काम हम शुभारंभ करते हुए करें, सी जो भी चैप्टर है हम बहुत साइंटिफिक वे में काम करते हैं, हम पसंद करते हैं और उसको आगे ले जाना पसंद करते हैं, रैशनल वे में काम करते हैं। ये QR कोड है जिसमें एक स्किल गैप स्टडी की जाएगी, मैंने साइड अगर आपने पहली स्लाइड पर ध्यान दिया लिखा था नासिक स्किल डेवलपमेंट प्लान, मतलब आज हमारे साथ में जो मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं इनकी क्या स्किल रिक्वायरमेंट है उसको समझने के लिए छोटा सा स्किल गैप फॉर्म है, आसान से सवाल जवाब है, आपका नाम, आपकी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार स्कैन कर लें और 5 मिनट लगेंगे आपको इसको भरने के अंदर में, आप उसको भर दें फॉर्म को, तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग और रिक्वायरमेंट समझ में आएगी ज्यादा बेटर तरीके से, और हमें एक अच्छा और जल्दी एक्शन प्लान यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर कोई वहां से नहीं कर पा रहा है उठ के आ सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए, वैसे आने नहीं चाहिए, अगर आए तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपके साथ में हेल्प करूंगा।
आप में से किसी के कोई और सवाल जवाब भी है जो भी आज हमने बहुत सारा मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड किया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, ऑफलाइन पूछ सकते हैं। हाँ जी कोई इशू इसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं दिस इज वो जानना चाहते हैं थोड़ी सॉफ्ट हमने देखा लेकिन फिर ऐसे कंपनी करके हम लोग उसमें कंपनी को पार्टिसिपेट करने का बड़ा सिंपल तरीका है जैसे अनिल जी इसके लिए एम्बेसडर बने इसके साथ जुड़े आपने सीआई का नाम सुना है रोटरी का नाम सुना है आप बेसिकली ये एक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो आप इसके साथ जुड़ते हैं तो हमें भी ये अंदाजा हो जाता है कि कहाँ है हम एक ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो आपको जुड़ने का एक तरीका है आप इसके लिए एम्बेसडर का बेसिकली मेंबरशिप फॉर्म होता है वो आप भरते हैं ऑनलाइन फॉर्म ही है आप उसको भर के आप उसके साथ जुड़ सकते हैं नॉर्मल सी फीस उसके अंदर में होती है बट आपकी जो एक्टिविटीज हैं बहुत सारी उसके अंदर में कवर हो जाती है ट्रेनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज होती है हमारे उसकी डिटेल में मैं नहीं गया एक्चुअली आज उसमें भी एक पूरा सिस्टम बना रखा है मेरे ख्याल से उसकी स्लाइडिंग होगी इसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो भी बता दूँ बेसिकली हर रीजन के अंदर में क्यों जरूरी है कि लोग साथ में हो तो बोलने से नहीं कमिटमेंट भी होना चाहिए उनका हम पर हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यहाँ पर कितने लोग कमिटेड है इसको लेकर और ये मिशन आगे चलेगा तो तीन तरह के बेसिकली काम है जो आप लोग करने रहे हैं जब आप इससे जुड़ते हैं जो डिफाइंड है पहला है आप नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं तो आप जो जुड़ते हैं तो आप एक स्किल एम्बेसडर है मतलब आप आज क्यों जुड़ रहे हैं कि आप इस चीज में बिलीव करते हैं तो बिलीव करके अपने आप पर भी रखना है और घर में इसको उसको भूल नहीं करना है बिलीव करते हैं तो अपने टीम को बताना है सबसे पहले अपने इकोसिस्टम में बताना है और उस बात को आगे बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा ले सके क्योंकि ऐसा नहीं है कि अकेले आप करोगे उसे और नाम मिलेगा नहीं होगा ऐसा नहीं है जब तक सारे नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो कंपनीज एसोसिएशन प्रोफेशनल्स एकेडमिया यू चीज सब इससे जुड़ते करते हैं तो ये आप नेशनल लेवल पर हो गया नेशनल लेवल पर कई और एक्टिविटीज होती है जिसका आप पार्ट बनते हैं फिर आपका अगर रीजनल लेवल पर आपको क्या करना है तो रीजनल लेवल पर आपको दो चीजें करनी है एक खुद के लिए करनी है और एक सबके लिए करनी है तो खुद के लिए जो करनी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल गोल्स उसके लिए एक प्रोग्राम बना रखा है स्किल कॉन्शियस एम्प्लॉय प्रोग्राम क्या है प्रोग्राम मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा भी और एक कलेक्टिव जो करनी होती है वो हम जो अभी आपसे जो स्किल गैप सर्वे करवा रहे हैं उसके विषय में कुछ चीजें बता पड़ेगी उसके हिसाब से वो करनी होती है मोटे मोटे तौर पर कलेक्टिवली हमें तीन चीजें करनी है इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर में पहुंचाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा ले सके और ज्यादा लोग होंगे तो हमारे पास में ज्यादा सपोर्ट मिलेगा कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए दूसरी है जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर आईटीआईज हैं पॉलिटेक्निक्स हैं कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं एमबीए कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को हमारी इंडस्ट्री के बारे में बताना है क्योंकि जो बच्चे निकल के आएंगे या फिर जो आज एक यूथ निकल के आएगा वो स्कूल कॉलेजेस के थ्रू ही आएगा राइट तो वहां हमें उनको हमारे इंडस्ट्री के बारे में बताना बहुत जरूरी है ठीक है तीसरा है जो ओवरऑल एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है इस इंडस्ट्री की उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि आज उनको भी अपस्किलिंग की जरूरत है खुद को भी जरूरत है बाकी को भी जरूरत है तो ये तीन मेन मुद्दों के ऊपर में टाउन हॉल जिसको हम बोलते हैं रेगुलरली मीटिंग्स होती है उसको हम टाउन हॉल बोलते हैं वो आप कलेक्टिव हो गए यहाँ करेंगे जैसे कि आपने अभी आज आज मिले हैं आज अनिल जी ने सारा सारा कार्यभार संभाला इसको करने कराने का वैसा वो टाउन हॉल रेगुलरली होता रहता है ऐसे टाउन हॉल्स जो हमारे बाकी टाउन चैप्टर है उसमें भी रेगुलरली हो रहा है कल टाउन हॉल मुंबई में कल रोज जा रहा तो उस टाउन के अंदर में भी आपकी नॉलेज एनहांसिंग एक्टिविटीज होती है फॉर एग्जाम्पल कल के टाउन के अंदर में लोगों को पीपल मैनेजमेंट बड़ा इशू लगता है कि मैं कैसे लोगों को रखूँ कैसे लोगों को रिक्रूट करूँ कैसे उनको रिटेन करूँ तो कल वहां पर एक सीनियर एचआर प्रोफेशनल जो है वो उस टॉपिक में दो घंटे ढाई घंटे का सेशन लेने वाली है उसकी कोई चार्ज वगैरह से कोई कॉस्ट नहीं इस तरह से हम लोग नॉलेज एनहांसमेंट के ऊपर भी कैसे करते हैं इस तरह से दिल्ली बॉम्बे या दिल्ली एनसीआर के अंदर में लीन मैनुफैक्चरिंग के ऊपर में कर सकते हैं कि आप कैसे इसको सिस्टमैटिक बना सकते हैं वो तो ये कॉमन में सारे गोल्स ये आपके आ जाते हैं इसके कॉन्शियस एम्प्लॉयर प्रोग्राम ये है कि आप कैसे अपनी कंपनी को एक और सशक्त कंपनी बना सकते हैं कई ऐसी प्रैक्टिसेस और सिस्टम्स को लगा के जो बाकी कंपनीज को सक्सेसफुल बना रही है दूसरी इंडस्ट्री से बना रही है या फिर एज ऑफ टेक्नोलॉजी के बेसिस पर भी बनाते जा रही है फॉर एग्जाम्पल क्या आपके आपके यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइंड है बेसिक सवाल अभी आपने देखे उसको नहीं होगी क्या आपके यहाँ एचआर है कि नहीं है क्या प्रोसेस डिफाइंड है आपके यहाँ पर
कि आपके परफॉर्मेंस रिव्यूअल सिस्टम है, क्या कोई आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम लगाते नहीं अपना, तो हम इस स्किल कौनसिल अप्लाई प्रोग्राम के थ्रू एक स्टेप बाय स्टेप वे के अंदर में ये सारी चीजें आपके यहाँ कंपनी में इंप्लीमेंट करने में आपकी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप जुड़ते हैं तो एक एनालिसिस पहले आपके साथ की जाती है, फिर आपके जो सेकंड इन लाइन होंगे, मतलब आपकी कंपनी में कम से कम 2-3 लोग ऐसे होंगे जिनके आज आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपके साथ में सोचते करते हैं आगे बढ़ाते हैं, उनको भी हम पहले ऑरिएंटेशन देके पूरा समझाते हैं कि करना क्या है। ये एक दिन का काम नहीं है, 3-6 महीने काम हो सकता है, साल भर काम हो सकता है, लगातार बेसिस पे काम चलता रहेगा। लेकिन अगर वो कन्विंस नहीं हुए तो ये 2 दिन ही फेल हो जाएगा, वो बोलेंगे यार ये नई चीज पकड़ के लेकर आ जाए, काम तो पहले ही सर पे पड़ा हुआ है और ये नया ऑर्डर दिया, राइट। तो उनको समझाया जाता है, फिर आपकी जो ओवरऑल टीम है एम्प्लॉइज में है उनके लिए स्किल ओरिएंटेशन वर्कशॉप की जाती है कि उनको समझाया जाए कि उनका क्या फायदा है, उनको क्यों स्किल करनी है या उनको क्यों स्किल होना है या उनको क्यों ये चीज बेटर फील करनी है। और ये सब चीजें जो है इसमें गवर्नमेंट कई चीजों के ऊपर में फंड करती है इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो ये चीज आप स्किल कौनसिल प्रोग्राम करते हैं और फिर आप धीरे धीरे कैसे इसको परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम में ला सकते हैं, कैसे आपका इंप्रूवमेंट बेटर हो सकता है। मानिए आप क्या कंपनी छोटी साइज की, आपको एचआर की जरूरत फुल टाइम नहीं है, तो कलेक्टिव ग्रुप वाइज यहाँ पर एक एचआर सिस्टम बनाया जा सकता है, उसका फायदा लिया जा सकता है। आप इकलौते अपनी कंपनी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 5 लोग मिल गए। मैं एग्जाम्पल लूंगा, दिल्ली एनसीआर और जयपुर वालों ने मिलकर कहा कि हमें अपनी फैक्ट्रीज को बेटर करने के लिए लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम सीखना है। उन्होंने इंडिविजुअली हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप एक सारी जगह पर प्रोग्राम किया जाएंगे गवर्नमेंट का एक स्टार्टअप की तरह है ये, तो सारी चीजें ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही 100 साल से चली जाएगी, वो सब डिफाइंड है। ये भी धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन होते जा रहा है, जो जो चीज आपके यहाँ रिक्वायरमेंट लग रही है उसके हिसाब से यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, कहीं पर कोई और रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर उसके हिसाब से इम्प्रोवाइजेशन होता है, वो भी चीजें आगे चलती रहेंगी, ठीक है। और कोई सवाल किसी का, कोई और कोई पूछना चाहेगा? नहीं, मैं शायद खाने के समय में घुस गया हूँ, तो मैं यहाँ पर आप लोग सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा एक बार जोरदार ताली आप लोग सबके लिए, आपने सब सुना और आज वो प्लीज से आपको 1% कुछ लिखे जा सके जिससे हम लोग हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के अंदर कुछ आप सके। थैंक यू जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू एक्शन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। राहुल जी के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज। राहुल जी ने आज हमको जो जानकारी दी है, मेरे को लगता हम लोग उससे अवेयर नहीं थे, राइट। आप लोग शायद मेरे से सब सहमत रहेंगे, मैं तो अवेयर नहीं था, मेरे को जितनी नॉलेज मिली है उसका आई थिंक मेरे को 1% की नॉलेज नहीं थी। तो थैंक यू राहुल जी फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम, एंड इतना आपने हमको जानकारी दी उसके लिए आपका हम सभी की तरफ से आपके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और चीज बोलना चाहूंगा कि आपके लिए एक और अच्छी बात है, अभी जस्ट मैं आके बैठे ही और अनिल से बात भी हो रही थी, तो उनका एक बहुत दिनों से इंटरेस्ट है कि उनको ट्रेनिंग सेंटर चालू करना ताकि इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर सके, तो वो अभी कह रहे कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसको चालू करने कराने के अंदर में, तो आपको यहाँ सपोर्ट भी मिल जाएगा उसकी भी कमी, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू और उसके लिए सबका सपोर्ट लगेगा उसको आगे बढ़ के चलाने के लिए, तो हम उसको डेफिनेटली आगे बढ़ा। थैंक यू राहुल जी, and we are really looking forward to meet you again and in such sessions and get information. And learn on this initiative which is taking place, and Anil ji ka bhi bilkul main appreciate karta hu Anil ji ko bhi ki unhone ne ye initiative liya aur itne get together kiya और जिसमें हम लोग आज सब एक जगह बैठ पाए और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर पाए और इतनी इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर पाए जो डेफिनेटली हमको आगे अपना काम बढ़ाने के लिए, आगे डेवलप होने के लिए डेफिनेटली हमको ये बहुत माइलेज देने वाली है ये आज की मीटिंग।
और आदि जी आप इनिशिएटिव लीजिए, जो अपनी बात हुई थी आप जरूर इनिशिएटिव लीजिए और अपने इधर भी आप स्किल डेवलपमेंट का आप स्टार्ट करिए और हम सब आपके साथ हैं, राइट, हम लोग करेंगे। या कैन यू प्लीज वांट टू सी शेयर फ्यू वर्ड्स प्लीज। नमस्कार, ये अपन ही जी स्किल डेव्हलपमेंट बद्दल बोलतो, राईट। इंडस्ट्रीमध्ये मी गेले 2013 पासून ट्रेडमध्ये आहे, आणखीन मुंबई, पुणे, आणखीन आता नाशिक, आणखीन ह्या इंडस्ट्रीमध्ये भरपूर आपल्या इंडस्ट्रीमधल्या प्लेयर्सशी बोलत होतो। आज सुद्धा मी आता प्रोग्राम सुरू व्हायच्या आधी काही लोकांशी बोलत होतो, त्यांना मी म्हटलं तुमचा प्रॉब्लेम काय, कसं चाललंय? सगळं झालं आमचं चांगलं चाललंय। म्हटलं ठीक आहे, म्हटलं काही वर्कर्सचा काही प्रॉब्लेम होता का? म्हणजे दखमेमध्ये खपली काढायची फक्त होती, आणि नंतर त्याच्यानंतर मग काय, नाही कसं आम्ही काय करतो की आपल्याकडे कोणी एखादा माणूस असतो, त्याच्या हेल्पर असतो, तो हेल्पर शिकत राहतो, आणखीन तो मेन माणूस गेला की तो हेल्पर करतो का? म्हणजे जसं सांगितलं तसं आपण फक्त ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट चालवतो पैसे देऊन, आणि आपण येतो जेव्हा आपण एक्झिबिशनमध्ये जातो तेव्हा मशीन बघतो, आणि मशीनच्या किमती ज्या आहेत, म्हणजे लाईक अ परचेसिंग अ मर्सिडीज, मर्सिडीज आपली साधी मारुती 800 असेल, त्याला ड्रायव्हर पाहिजे, आपण त्याकडे लायसन्स विचारतो, बाबा तुझ्याकडे लायसन आहे, किती वर्षाचा आहे, काय आहे, तर तू कुठे गाडी चालवली आहे? पण ज्या आपण 30-35 लाखाच्या मशीन घेतो, 40 लाखाच्या 50 लाखाचा मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट आहे, त्यासाठी काहीच बघत नाही, कारण आपले हात फटीत अडकलेले असतात। तर ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम मधून काहीतरी आपण करायला पाहिजे। माझं कसं, मी आहे BNI मध्ये आहे, गिव्हर्स गेम, तुम्ही फक्त मागितलं नाही पाहिजे इंडस्ट्री करून, मी तुम्हाला सांगणार फक्त नाही ना तुम्ही सहाय्यसून मटेरियल घ्या, मटेरियल घ्या, तुम्ही द्यायला शिकलं पाहिजे। आणि जर प्रत्येक जण द्यायला लागला तो ऑब्व्हियसली कुणाला कुणाला मिळत जाणार। तर त्या विचाराने मी सप्टेंबर एक टार्गेट डेट ठेवली आहे, कदाचित 30 सप्टेंबर होऊ शकते, मी एक सॅन मोड वर्किंग मशीन ऑपरेटर प्रशिक्षण घेणं सुरू करतोय, आणि त्याच्यामध्ये त्या स्थापनेचा उद्देश असा आहे आपल्या विभागातल्या, आता सुरुवातीला मला मुंबई सगळे असेल म्हणजे सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचवायचं, आपल्याला कॅन्डिडेट मिळतील किंवा नाही, जोपर्यंत नाशिकमध्ये तशी इन्स्टिट्यूट नाही आहे, ट्रेनिंग सेंटर नाही, तो आपल्या विभागामध्ये हे कोणी 18 ते 25 वया गटातले हुटकरू तरुण तरुणी असतील, बरोबर आहे? आणि आपण इथे फक्त मुलांना शिकवायचं नाही, या इंडस्ट्रीमध्ये तरुणी सुद्धा काम करू शकतात, ज्यामध्ये पॅनेल चालवायला किंवा इन्स्टॉलेशन करायला, इथे फक्त मुलंच पाहिजे, हा ही मेल डॉमिनेट इंडस्ट्री आहे, आपल्याला वुमन अपलिफ्टमेंट पण करायला पाहिजे। तर कुणी असतील आणि ज्यांनी मिनिमम त्यांनी 8वी पास 10वी पास 12वी पास असे कुणी असतील, तरी तुम्ही मला कृपया सजेस्ट करावं, आपण त्याचं ट्रेनिंग त्यांना करू। त्याचं काय करतात, आपण इथे बसलंय सगळे, आज याचा माणूस त्याने घेतला, त्याचा माणूस त्याने घेतला, ते चालतंय, नवीन कुणी तयारच करत नाही। आणि ती नवीन जे आपल्याला स्किल डेव्हलपमेंट म्हणताय, जे वर्कर्सचा मशीनला काम शिकवण्याचं आहे, जे काम आहे ते प्रॉपर पद्धतीने सर्टिफिकेशन जे आहे ते आपण सुरू करतोय, तर मला त्यासाठी तुमच्या सर्वांचं एक सहकार्य लागेल। धन्यवाद। आणि आज तुम्ही सायन्सेस मार्केटिंग या माझ्या व्यवसायासाठी तुम्ही जे मला नाशिकमध्ये सहकार्य दिलं, मी जूनमध्ये सुरू केलं का, पण खरं सांगतो की मी ह्या विचारात नव्हतो की यार मला एवढा सपोर्ट मिळेल, मला खरोखर सपोर्ट मिळालेला आहे, आणि त्या अनुषंगाने काहीतरी इंडस्ट्रीला द्यायचं आहे म्हणून मी हे काम सुरू केलेलं आहे। आज तुम्ही माझ्या विनंतीला मान देऊन इथे आला, त्यामुळे सर्वात आधी तुमचा धन्यवाद, आभार। त्याच्यानंतर SOW म्हणजे स्टुडिओ मिल, त्यांचं एक नाशिकमध्ये येत होता, त्यांनी एक दिवसासाठी मला माझ्यासाठी आणि तुम्ही तुमच्या लोकांना तुम्हाला या SOW व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही जो ऍक्शन टीसाठी मला जो गाडीसाठी सपोर्ट केला त्याबद्दल ऍक्शन टीसाचे आभार आनंद सर आणि त्यांची संपूर्ण टीम। आज इथे फक्त मी आणि माझा एक कुलीग आहे, साबळे सर आहेत, बरोबर आहे? साबळे सर आपले पण आभार, आपण आलात आणि आपण तेवढी मदत केलेली आहे, हे तर आम्ही दोघांनी एकटा माणूस काही करू शकत नाही, आणि ऍक्शन टीसाची पण संपूर्ण टीम
पुण्याची त्यांचे ब्रांच मॅनेजर आहेत सुमित आहे आणखी गिरीश आहे यांनी सुद्धा इथे मला एवढा सपोर्ट केला त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार. त्यानंतर सर्वात महत्वाचं राहुल सर त्यांनी तुम्ही मगाशी सांगितलं की आम्ही त्यांचं मीटिंग कॅन्सल केली मीटिंग अर्जंट त्यांची दुसरी शेड्यूल झाली तरी शिर्डीला गेले शिर्डीवर इथे आले त्याबद्दल त्यांचे खरं शतत आभार राहुल सर. हम आपके शुक्रगुजार है कि आपने इतना मतलब समय निकाला आणि जिन या संपूर्ण प्रोग्रामला परत तुम्ही जे मला सहकार्य दिलं आणि साई एसेट मार्केटिंगला नाशिकमध्ये उभं राहण्यासाठी तुम्ही मला जी काही मदत करणार आहात त्यासाठी ऍडव्हान्स मध्ये तुमचे सगळ्यांचे आभार धन्यवाद. आता याच्यानंतर आपल्याकडे जेवण आहे आणि कॉकटेल डिनर आहे तर कृपया करून त्याचा लाभ घ्या.